तो यहाँ पे इन्होंने इमेज रेजोल्यूशन का जिक्र किया है। यहाँ पे ये एक जुमला लिखा है इन्होंने कि इमेजेस क्रिएटेड फॉर द वेब शुड बी सेव्ड एट अ रेजोल्यूशन ऑफ 72 PPI। द हायर द रेजोल्यूशन ऑफ द इमेज द लार्जर द साइज ऑफ द फाइल। कह रहा है कि जो इमेज क्रिएट होनी चाहिए ना वेब के लिए, ठीक है, वो 72 पिक्सल पर इंच के ऊपर होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे इसने सिर्फ वेब की बात की है, लेकिन डिजिटल स्क्रीन जितनी भी है ना वो 72 PPI उसके लिए बेस्ट होता है। अच्छा, अब ये क्यों होता है इसकी पूरी स्टोरी है, वो हम कोशिश करते हैं आज हम उसको डिस्कस करें उस स्टोरी को। अच्छा, हायर द रेजोल्यूशन, और जितना हाई रेजोल्यूशन होगा यानी 72 से अगर बढ़ाते जाएंगे हम इसको, तो क्या होता जाएगा, हमारी इमेज का जो साइज़ है, फाइल साइज़ जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है, यानी उसका जो KBs में साइज़ होता है। एक तो इमेज का साइज़ होता है कि वो पिक्सल्स में कितनी बड़ी है, यानी स्क्रीन पे उसका आ, 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 उसका इंचेस में साइज़ कितना बड़ा नज़र आ रहा है, और दूसरा होता है उसका जो डिस्क के ऊपर जो साइज़ है उसका, यानी KB में जो साइज़ है। तो ये डिस्क वाले साइज़ की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसको समझने के लिए अभी हम इसको साइड पे कर देते हैं और हम ज़रा पिक्सल पर इंच को ना डिटेल में समझते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं किसी किसी मोबाइल फ़ोन का इस पर वो लिख देता हूँ। सही है, स्पेक्स, ठीक है। अच्छा, किसी भी मोबाइल फ़ोन की जब स्पेसिफिकेशन में आप जाते हैं तो उसके डिस्प्ले के अंदर ना कहीं आपको ये चीज़ लिखी हुई नज़र आ जाती है कि इसकी डेंसिटी क्या है, 460 पिक्सल पर इंच इसकी डेंसिटी है, ठीक है। अच्छा, इसका जो स्क्रीन का साइज़ है वो 1290x2700 समथिंग है, और रेशो भी साथ में इन्होंने मेंशन किया है कि जी 19.5:9 का रेशो है, ठीक है। एक तो 16:9 होता है, इन्होंने ये रेशो रखा है। रेशो समझते हो ना, मिसाल के तौर पे जैसे मेरी स्क्रीन है काइंड ऑफ इस वक्त जो आपको यहाँ पे दिख रही है प्रोजेक्टर पे, ये शायद 1:1 है क्योंकि ये बिल्कुल चकोर है। तो 1:1 जो रेशो होता है, इसका मतलब होता है कि जितनी चौड़ाई है उतनी ही लंबाई है, ठीक है, दोनों सेम है। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि 1:2, तो 1:2 का मतलब है कि यानी एक साइड 1 है तो दूसरी साइड उसकी डबल है, तो आइदर ये लंबाई में होगी आधी ये चौड़ाई में होगी। आई एम नॉट श्योर कि फर्स्ट वाला, आई थिंक जो है वो लंबाई को कहते हैं फर्स्ट वाला शायद, नहीं फोन तो ऐसे खड़े में होता है ना, तो पहला वाला 19 है तो उसका मतलब है पहले में ये खड़े वाले में बात कर रहे हैं, ठीक है। वेल, तो ये ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाता है, हमेशा जो है वो स्क्रीन, आजकल जो साइज़ेस चल रहे हैं स्क्रीन के, वो वाइड स्क्रीन का ज़माना चल रहा है ये, ठीक है। जब कंप्यूटर शुरू शुरू आए थे उस वक्त तो बिल्कुल स्क्वायर होती थी स्क्रीन, लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता वाइड स्क्रीन की तरफ मूव हो गया। तो इसमें जो भी फिगर बड़ा होगा आप वो समझ लेंगे ऑटोमेटिकली कि ये चौड़ाई वाला फिगर है, यानी ये विड्थ वाला फिगर है। तो अच्छा, अब यहाँ पे कहीं ना इन्होंने इंच भी लिखा होगा, 6.7 इंचेस की ना इनकी स्क्रीन है, 6.7 इंचेस। अच्छा, ये 6.7 इंचेस ना ये डायगोनल लिखते हैं, तो ये आपको एग्जैक्टली नहीं पता लगता कि वो एक्चुअल में लंबाई उसकी कितनी है। अच्छा, लेकिन हम उसको ना फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं, हम इसको क्या करते हैं, फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो तीन चीज़ें हैं ना, स्क्रीन का साइज़ इंच में, स्क्रीन का साइज़ पिक्सल में, और उसकी डेंसिटी, इन तीनों चीज़ों को हम समझेंगे ना तो फिर एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाएगा कि ये पिक्सल पर इंच एक्चुअली चीज़ क्या होती है। अच्छा, आ जाते हैं हम। अच्छा, वैसे शायद हमें इसको एक्सप्लोर करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, हम वैसे ही देख लेते हैं। अगर 6.7 इंचेस डायगोनल है ना, अगर 6.7 इंचेस डायगोनल है तो, अगर मतलब डायगोनल का मतलब होता है कि क्रॉस में उसको किया हुआ है, तो वो अगर बिल्कुल सीधी लाइन करूँ मैं तो शायद थोड़ा सा ही कम आएगा, है ना, स्क्रीन साइज़ को ना डायगोनल इस तरह ये कर रहे होते हैं, ये डिफरेंट स्क्रीन साइजेस सारे यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है जी। अच्छा, तो लंबाई में जो है ये फर्स्ट वाला तो होता है चौड़ाई, दूसरा वाला होता है लंबाई। लंबाई में ये 2796 पिक्सल्स हैं जो यूं खड़े में टॉप टू बॉटम, अगर फ़ोन आपने यूँ सीधा हाथ में पकड़ा हुआ है तो। अच्छा, और एक इंच में इसके 460 पिक्सल आता है, यानी उस स्क्रीन में फिजिकली अगर आप ऐसे पोजीशन
इंच इंच का स्केल रखेंगे ना एक, तो एक इंच के नीचे जितने पिक्सल होंगे एक्चुअल में, क्योंकि देखो पिक्सल जितने, एक तो होता है वो 3310 वाला फ़ोन जो होता है, सही है, उसके अंदर पिक्सल बाकायदा इतने बड़े होते हैं कि नज़र आ रहे हैं, जैसे साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है उसके पिक्सल जो है वो, अभी हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। है ना, देखो इसके पिक्सल कितने बड़े बड़े हैं ये। हाँ ये तुम्हारे पास फिजिकल भी मौजूद है ना क्या बात है। अच्छा स्टैट्स बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बाय द वे, कंप्यूटर साइंस में भी और वैसे इन जनरल भी साइंस में, तकरीबन साइंस के तमाम शोबों में स्टैट्स इस्तेमाल होती है। हाँ लेकिन जब मैंने जब पहली दफ़ा पढ़ी स्टैट्स की क्लास, तो मैंने अपने टीचर से पूछा कि ये कहाँ यूज़ होती है, तो वो मुझे कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दे पाए, लिहाजा मेरा इंटरेस्ट इससे उठ गया। बिल्कुल सेम यही चीज़ जो है वो मैथमेटिक्स में भी हुई मेरे साथ, तो वो मुझे ये बता नहीं पाए टीचर्स कि ये एग्जैक्ट। हाँ तो अब मुझे पता चला कि अच्छा ये सारा जो ये लीनियर अलजबरा और ये जो ये इक्वेशंस, क्या है वो जो वो वेव वाली जो मैथ है, क्या बोलते हैं उसको, वो अलजबरा तो इन जनरल है, वो वेव पैराबोला वगैरह जिसमें डिस्कस होता है, नहीं ज्योमेट्री नहीं, नहीं वो पैराबोला और वो जो कैलकुलस, यस ये जो कैलकुलस वाली सारी मैथ है ना, और कैलकुलस तो ये 101 होता है, इसका 102 जो उसका क्या नाम होता है, हाँ कैलकुलस 2 है उसका, एक नाम होता है उसका, नहीं एक तो कैलकुलस की एक एक सेमेस्टर होता है ना, अगले सेमेस्टर में वो कैलकुलस का एक नेक्स्ट वर्जन पढ़ाता है। हाँ नहीं कैलकुलस 2, अच्छा कैलकुलस 2 के बाद 3 भी होता है फिर, उसका क्या नाम होता है यार, वो मैं नाम भूल गया। नहीं नहीं मुझे उसका एक नाम होता है, उसका एक कुछ नाम होता है, वो लीनियर लीनियर करके कुछ बोलते हैं उसको, लीनियर अलजबरा, यस। तो वो पहले कैलकुलस पढ़ाते हैं, उसके बाद वो लीनियर अलजबरा पे मूव कर जाते हैं। तो ये कैलकुलस 1, कैलकुलस 2 और ये लीनियर अलजबरा, ये पूरी जो एआई है ना, एआई के जो अल्गोरिथम्स हैं वो इस पे बेस कर रहे होते हैं, जो जो आप समझ लो प्रिडिक्शंस जो हैं खास तौर पर, तो प्रिडिक्शंस में इसका बड़ा अहम रोल होता है और भी बहुत सारी जगहों पर। वेल तो हम बात ये कर रहे थे कि यार इसके जो पिक्सल्स हैं ना वो काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के पिक्सल हैं। अच्छा और इसके अगर मैं इंची टेप इसके ऊपर रखूँ तो शायद ये 3.5 इंच या 4 इंच की स्क्रीन है टोटल, तो अगर 1 इंच के नीचे ना, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 50-70 पिक्सल आएंगे 1 इंच के नीचे इसके, ठीक है। तो अच्छा इसका मतलब है कि ये पिक्सल जितने बारीक होंगे डिस्प्ले उतना ज़्यादा शार्प होगा, ठीक, क्योंकि देखो इसमें एक्स है ना वो ऐसे चकोर चकोर डब्बा दिख रहा है, अगर इसमें पिक्सल ज़रा बारीक होते तो ये इस तरह नहीं दिखता, फिर ये स्मूथ दिखता ज़रा, जैसे बी का जो ये लंबी वाली डंडी दिख रही है ना, ये प्लस जैसे दिख रहा है बिल्कुल शार्प, तो इस तरह ये डायगोनल जो लकीर है ये शार्प दिखती मुझे, है ना। अच्छा तो इसका मतलब है कि पिक्सल जितने ज़्यादा होंगे, 1 इंच के नीचे जितने ज़्यादा पिक्सल आ रहे होंगे उतने बारीक होंगे वो, और उतना ज़्यादा उसकी जो इमेज बनेगी वो क्लियर इमेज बनेगी। अच्छा वापस आ जाते हैं इसके ऊपर, अब हम तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 1 इंच के नीचे ना 460 पिक्सल आते हैं। अच्छा तो अगर मैं इस वाले को डिवाइड कर दूँ 460 से, इस वाले को अगर मैं डिवाइड कर दूँ, यानी टॉप टू बॉटम 2796 पिक्सल है ना, तो अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, हाँ 2769 डिवाइड बाई जो 460 PPI, तो 6.01, तो टॉप टू बॉटम जो इंचेस बनते हैं ना इस हिसाब से, वो 6.01 इंच की ये स्क्रीन है। अच्छा डायगोनल में वो 6.7 आ रही है, लेकिन वो एक्चुअल में 6.1 है टॉप टू बॉटम। अच्छा इसी तरीके से मेरे पास जो विड्थ है, ये तो लंबाई हो गई फ़ोन की, तो 6.01 इंच आ गया, इसी तरह चौड़ाई को भी हम कैलकुलेट करेंगे तो वो भी निकल आएगा 1290 डिवाइड बाई 460, तो 2.80 इसकी जो विड्थ है इंचेस के अंदर इसकी स्क्रीन की, वो 2.80 जो है ना इसका साइज़ है। अच्छा ये समझ आ गया आप लोगों को। अच्छा ये जो हमने बात की है ना अभी, ये हमने बात की है जो फिज़िकल डिस्प्ले की बात की है, जो हार्डवेयर की हमने बात की है, जो फिज़िकल हार्डवेयर जो
जो डिस्प्ले मुझे मिल रहा है ये, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा अब क्या होता है, अच्छा फिर इसी तरह ये मैं अपने लैपटॉप को भी देख लेता हूँ, है ना, इसका भी देख लेते हैं कि क्या चक्कर है। क्योंकि अब फ़ोन में तो हम वो उस वाली चीज़ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते एक्चुअली, लैपटॉप में हम ये कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा मैं इसमें लिख देता हूँ कि जी सही है स्पेक्स, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट वो वाला लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन आ गई जो मेरे पास इस वक्त यहाँ पे सामने मौजूद है। अच्छा इन्होंने बोला कि यार इसकी जो स्क्रीन है ना वो 13.3 इंच है, यानी कि डायगोनल, और इसका जो साइज़ है वो 2500 बाई 1600 समथिंग है। अच्छा यहाँ पे देखिए इन्होंने मेंशन भी किया कि नेटिव रेजोल्यूशन की बात हो रही है ये, ठीक है, नेटिव रेजोल्यूशन उसकी बात हो रही है, जो हार्डवेयर मुझे जो मिल रहा है वो उसकी बात हो रही है। अच्छा 227 पिक्सल पर इंच आ रहा है। अच्छा तो अगर मैं 2500 को अगेन, ये जो विड्थ है मेरी 2560 जो है इसको मैं डिवाइड कर दूँ 227, 11.27, बिल्कुल सही बताया आपने, ठीक है। तो अगर मैं ये जो मेरा बालिश है ना ये 9 इंचेस की है, तो इसको अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो मैं इसको इस बालिश को देखते हुए बता सकता हूँ कि हाँ यार ये काइंड ऑफ 11 इंच ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये 9 इंचेस है, इसको मैं यहाँ रखता हूँ तो थोड़ा सी जगह बाकी रह जाती है, तो 11 इंचेस है। अच्छा इसी तरीके से इसकी वो भी है। तो हमने ये देखा कि मेरे पास जो नेटिव रेजोल्यूशन है, जो हार्डवेयर इस स्क्रीन का मौजूद है, वो उसके अंदर क्योंकि 2560 पिक्सल हैं, और जो 2560 पिक्सल कितने में 11 इंचेस के ऊपर वो 2560 है, तो एक्चुअली वो तो लिहाजा वो क्या होगा, 1 इंच के नीचे 227 पिक्सल आ रहे हैं। ये बात हमें समझ आ गई, जो हमने फ़ोन में भी एग्जांपल देख ली और हमने ये लैपटॉप में भी एग्जांपल देख ली। अच्छा अब ये 2560 जो है ये तो मेरे समझ आ गया, लेकिन अब मैं आता हूँ अपने पास यहाँ पे, इसका मतलब है कि अगर कोई इमेज 2560 पिक्सल की दिख रही होगी तो मेरी स्क्रीन पे वो एज टू एज दिखनी चाहिए, है ना, मेरी स्क्रीन पे वो राइट टू लेफ्ट बिल्कुल फिट आ जानी चाहिए। अगर 2560 पिक्सल में करता हूँ तो आ जाते हैं मेरे पास जो एक यहाँ पे इमेज लगी हुई थी ना, कॉपी पाथ, और ठीक है ये साइड टू साइड अभी ये फिट है, लेकिन इसका जो साइज़ है ना, मैं अच्छा इस विड्थ पे मैं क्या लिख देता हूँ 2560, सही है 2560 पिक्सल। अच्छा बावजूद इसके कि ये विड्थ इस काम के लिए नहीं होता है, ठीक है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, जस्ट टू डू सम एक्सपेरिमेंट्स, मैं इसको इस तरह से कर रहा हूँ, रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो क्या होता है इमेज साइड बाई साइड फिट नहीं होती है। अब ये क्या सीन है भाई, पिक्सल्स पर इंच तो इसका सही है बिल्कुल, नहीं देखो पिक्सल पर इंच क्या तो मैटर नहीं करता ना, जब इसने बोला कि भाई इतने पिक्सल हैं स्क्रीन पे, इतने पिक्सल स्क्रीन पे जब हैं इसने बोल दिया तो मेरे दिख जाना चाहिए उतने पिक्सल। अब ये क्या चक्कर है, ये देख लो ये हर डिवाइस में होगा इस तरह, ये हर डिवाइस के अंदर ये मसला है। मतलब इस फ़ोन के अंदर जो उसने बोला ना कि 2700 पिक्सल है टॉप टू बॉटम, और जो पता नहीं सिक्स, अच्छा तो अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या कोई डिफरेंस हो जाना चाहिए। सोचो इसको और बताओ कि ये क्या चक्कर है, ये क्यों हो रहा है। इसने बोला भाई 13 इंच की स्क्रीन है, 2560 इसके अंदर पिक्सल हैं विड्थ में। अब 2560 पिक्सल जब मैं करता हूँ तो वो मेरी विड्थ से ज़्यादा बड़ा हो जाती है इमेज, ऐसा क्यों हो रहा है। रेजोल्यूशन तो मेरे इमेज का और कम है ना, 72 PPI है मेरे जो इमेज है उसका। अभी हम PPI पे एक्चुअली पहुँचे नहीं है, अभी हम PPI पे भी हम आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, अभी तो मैं ये अभी PPI को अभी इस वाले को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये 2560 पिक्सल मेरी स्क्रीन पे है या नहीं है, मेरी स्क्रीन पे है मौजूद,
लेकिन मेरी स्क्रीन पे अगर मैं कोई 2560 पिक्सल की कोई चीज़ लगाता हूँ तो वो मेरी स्क्रीन से बड़ी हो जाती है। यस सर। अच्छा, उसका रीज़न देख लेते हैं आगे क्या चक्कर है। मैं जाता हूँ। अच्छा, ये फिट कितने पे होता है फिर, ये भी एक सवाल है ना। ये 1440 पे फिट हो जाएगा, ठीक है। 1440 करूँगा तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। ये मेरी स्क्रीन पे ऑलमोस्ट एज टू एज है, क्योंकि ये साइड पे हल्का सा स्क्रॉल आ रहा है तो इसकी वजह से थोड़ी सी जगह कम हो रही है। फिर बॉडी पे थोड़ा सा मार्जिन होता है, आप देखें बॉडी पे ना थोड़ा सा मार्जिन होता है जिसकी वजह से ये हल्का सा स्क्रॉल आ रहा है। अदरवाइज़ ये अगर इसमें मार्जिन को मैं ज़ीरो कर दूंगा ना तो ये एज टू एज फिट हो जाएगा, ठीक है। तो 1440 की जगह मैं 1400 कर देता हूँ, ठीक है, 40 पिक्सल ज़रा कम कर देता हूँ। तो अब ये बिल्कुल देखो ऑलमोस्ट सेट हो गया, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल आ रहा था वो ख़त्म हो गया। यस सर। तो इसका मतलब है कि मेरी स्क्रीन के ऊपर जो पिक्सल इस वक्त मौजूद हैं वो असल में 1440 पिक्सल मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ से डिसाइड हो रहा है वो अब देख लेते हैं चल के। हम मैं जाता हूँ जी सेटिंग में। ब्राउज़र अलग से आइडेंटिफाई करता है। नहीं, ब्राउज़र ये पूरी सिस्टम पे यही रेजोल्यूशन है। अच्छा जी, ये होता है ना विंडोज़ के अंदर भी ये सेटिंग होती है कि रेजोल्यूशन चेंज कर लो आप। अच्छा, मेरी स्क्रीन का जो इस वक्त रेजोल्यूशन है वो 1440x900 है। 1440x900 मेरी स्क्रीन का रेजोल्यूशन है इस वक्त। इसका मतलब क्या है कि हॉरिजॉन्टली यानी कि लेफ़्ट टू राइट 1440 पिक्सल हैं और टॉप टू बॉटम 900 पिक्सल हैं, रिगार्डलेस के मेरा हार्डवेयर कितना है, मेरी स्क्रीन का इस वक्त रेजोल्यूशन ये है। अच्छा, इस रेजोल्यूशन को वैसे तो आई एम नॉट श्योर कि इसको कोई नाम इन्होंने दिया हुआ है, लेकिन मैं इसको इस तरह कह सकता हूँ कि ये सिमुलेटेड रेजोल्यूशन है, ठीक है। जब भी उन्होंने मैंशन किया था कि नेटिव रेजोल्यूशन 2500 है, एक्चुअल रेजोल्यूशन जो मेरे पास है सिमुलेटेड है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो दो यानी हॉरिजॉन्टली ना लेफ्ट टू राइट जो दो दो पिक्सल को मिला के एक पिक्सल बनाया जा रहा है, यही मतलब है ना। क्योंकि हमारे पास कितना था वो 2600 था ना पिक्सल, 2600 डिवाइड अगर मैं 2 करता हूँ तो 1300 बनते हैं। तो काइंड ऑफ इस तरह की कोई सिमुलेशन हुई हुई है कि हॉरिजॉन्टली ना दो पिक्सल उसको बना के एक पिक्सल बनाया हुआ है। अच्छा, लेकिन मैं कहाँ जा सकता हूँ, मैं और नीचे भी जा सकता हूँ, ठीक है। मैं अच्छा इसको मैं अभी चेंज नहीं कर रहा क्योंकि वो रिकॉर्डिंग, अगर उसको मैं चेंज करूँ तो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाती है, तो इसलिए मैं इसको चेंज नहीं कर रहा। लेकिन आप सब लोगों ने ये सेटिंग देखी भी है, यस आप सब सर। लोगों को पता भी है कि इसको चेंज करने से क्या होता है। अच्छा, मैं मैक्सिमम मैक्सिमम 1680 तक जा सकता हूँ, उससे ऊपर मैं इसमें नहीं जा सकता, बावजूद इसके कि मेरे पास 2500 पिक्सल स्क्रीन पर नेटिवली हार्डवेयर लेवल पर ये मौजूद है मेरे पास, लेकिन उससे ऊपर मैं नहीं जा सकता। अच्छा, अब 1440x900 का जो डिस्प्ले है, 1440x900 का जो मेरे पास डिस्प्ले है, और मेरे पास कितना है, 11.01 इंच था ना, दोबारा से कैलकुलेट कर लेते हैं कि मेरे पास वो राइट टू लेफ्ट स्क्रीन का जो साइज़ आया था वो कितना आया था, 2560 पिक्सल है ना। 2560 डिवाइड बाई, दोबारा मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 11.27 मेरे पास जो है ना इंचेस हैं, मेरी एक्चुअल स्क्रीन का जो इंच है वो 11.27 है। अच्छा, अब उस 11.27 इंच में, 11.27 इंच में अब 2560 पिक्सल नहीं है, बल्कि अब कितने पिक्सल हैं, 1440। अच्छा, अगर 11.27 मेरे पास इंच है और उस 11.27 इंच में 1440 पिक्सल हैं, 11 इंच के अंदर 1440 पिक्सल हैं, तो एक इंच में कितने पिक्सल होंगे, कैलकुलेट करो। 11.27 से इसको डिवाइड कर देंगे ऑब्वियसली, 1440x11.27 कितना आ रहा है, 127.77। हाँ, तो इस वक्त जो मेरी स्क्रीन का जो पिक्सल पर इंच है ना वो ये वाला है, 127 समथिंग है, ठीक है, 127 समथिंग है। मैं अपने पास भी करता हूँ ज़रा, सही है, 127-130 के अराउंड कुछ आ रहा है। तो अच्छा, अब मैं 227 से कहाँ आके गिरा हूँ, मैं आके गिरा हूँ 130 के ऊपर। तो मेरा जो नेटिव रेजोल्यूशन है इस स्क्रीन का वो 227 पिक्सल पर इंच है,
लेकिन मेरे पास जो सिमुलेशन है यहाँ पे, सिमुलेटेड जो है वो 130 पिक्सल पर इंच है। अच्छा, अब तो हमने ये इस डिवाइस का अंदाज़ा लगा लिया। अच्छा, अब हम जो मोस्ट कॉमनली, अच्छा इसका एक और मतलब भी आपने समझ लिया, इसका एक और मतलब आपने ये समझ लिया कि अगर मैं कोई ऐसी इमेज इस स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाता हूँ, वेब में या वैसे जिस तरह भी, और उस इमेज की अगर डेंसिटी 130 से ज़्यादा हुई, क्योंकि मेरे पास अभी 11.02 इंच के ऊपर 1440 पिक्सल हैं, तो ये डेंसिटी बनती है 130 पिक्सल पर इंच, यानी मेरे एक, क्योंकि वो एक्चुअल दो दो तीन तीन पिक्सल को मिला के एक पिक्सल बना रहा है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी इमेज मैं इस पर डिस्प्ले करवाता हूँ जिसका रेजोल्यूशन 130 से ज़्यादा हुआ, यानी किसी इमेज का जो रेजोल्यूशन है वो 130 से ज़्यादा हुआ, तो वो 130 तक को तो डिस्प्ले करेगा, उसके आगे वाले को वो स्किप कर देगा, डिस्प्ले नहीं करेगा। सही है, उसके आगे वाले को वो डिस्प्ले नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये तो एक डिवाइस है, एक हाई एंड डिवाइस है, ठीक है। इसमें इन्होंने, यानी सिमुलेटेड जो एक्चुअल मुझे मिल रहा है वो 130 पिक्सल पर इंच मिल रहा है। अच्छा, लेकिन ये वाला रेजोल्यूशन मोस्ट कॉमनली जो हमारे पास मॉनिटर डिवाइसेस होती हैं, जो ये डेल के एचपी के मॉनिटर्स होते हैं, या जो जो नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं, यानी हाई एंड के अलावा की बात कर रहा हूँ, जो नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं, जैसे अभी इस वक्त मार्केट में जो कोर i5, कोर i3, कोर i, ये जो 11 जनरेशन जो चल रहा होगा नॉर्मली, या तो उसके अंदर जो डिस्प्ले लगा हुआ होगा ना मोस्ट कॉमनली, जैसे यहाँ हमारे पास लैब में जो कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं बहुत सारे, तो जो हमारे पास 21 इंच की जो स्टैंडर्ड स्क्रीन है, मॉनिटर स्क्रीन, उसका रेजोल्यूशन ना 130 नहीं होगा, ठीक है। उसका रेजोल्यूशन जो होगा वो 72 होगा। उसका रेजोल्यूशन क्या होगा? 72 होगा। अच्छा, कैसे उसको अंदाज़ा लगाएंगे हम? उसकी स्पेसिफिकेशन देखनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो आप में से कोई मुझे ये, जैसे इसका क्या नाम है लैपटॉप का? अच्छा, बल्कि मैं एक लैपटॉप जो बड़ा स्टैंडर्ड और बड़ा कॉमन लैपटॉप है, उसका हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि उसमें क्या है। एक 8470, ये कुछ इस तरह का लैपटॉप होता है, आप सब लोगों ने होपफुली इसको देखा होगा कभी ना कभी, ठीक है। ये स्टैंडर्ड लैपटॉप है, ये इसकी हम जो है ना स्पेक्स पे चले जाते हैं, और एचपी की वेबसाइट पे ही जो हम क्या कर लेते हैं, इसकी स्पेसिफिकेशन को देख लेते हैं, और इसके ऊपर जो हम पिक्सल पर इंच है उसको भी ज़रा नज़र मार लेते हैं कि इसके ऊपर क्या इंच है। अच्छा, ये आ गई डिस्प्ले की जो है ना वो आ गई इसकी। अच्छा, इन्होंने ना दोनों रेजोल्यूशन यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं कि ये 1366 पे भी चल सकता है और ये 1600 पे भी चल सकता है, दोनों सूरतों में ये चल सकता है, और ये 14 इंच की स्क्रीन है। अच्छा, या मे बी इसके अंदर ये दो तरह के डिस्प्ले मे बी आए हैं, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। तो 14 इंच के ऊपर 1366 पिक्सल अगर नेटिवली अवेलेबल है, अच्छा हर डिवाइस में ऐसा नहीं होता कि नेटिव रेजोल्यूशन ज़्यादा है और सिमुलेटेड जो है वो कम है, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में इन्होंने लिमिट कर दिया है हमें, ठीक है, लेकिन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्या होता है, ज़रा कस्टमाइजेशन अवेलेबल होती है। तो मिसाल के तौर पे अगर नेटिवली मेरे पास 1600 पिक्सल अवेलेबल है ना, तो मैं पूरे 1600 पे भी उसको ले जा सकता हूँ, लेकिन वो पूरे 1600 पे ले जाने से होता ये है कि ज़रा वो जो क्वालिटी है ना वो डाउन हो जाती है, क्योंकि वो नेटिव पिक्सल जो होता है वो एक पिक्सल से अगर एक पिक्सल बन रहा होता है तो समटाइम कुछ पिक्सल्स की क्वालिटी कम हो जाती है, तो वो लिहाजा उस वो एरिया आपको फिर उस तरह का दिखने लग जाता है, ठीक है। तो वो 3-4 पिक्सल को मिला के एक पिक्सल बनाने का असल मकसद यही होता है कि अगर जैसे, क्योंकि ईच पिक्सल इज़ वन एलईडी लाइट, लिटरली वो एक एलईडी लाइट होता है एक पिक्सल हमारा। तो एलईडी लाइट आपको पता है जब जलता है तो थोड़े दिनों में वीक हो जाता है, उसका कलर वो नहीं रहता जो एक्चुअल होना चाहिए। यही वजह है कि एलसीडी को भी अब जब यूज़ करते हैं तो वो जैसे ओलेड अगर डिस्प्ले है तो वो वक्त के साथ साथ थोड़ा येलो हो जाता है, या वक्त के साथ साथ उसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम होना शुरू हो जाती है। तो वो ईच पिक्सल जो है ना वो एक एलईडी लाइट होता है, बाकायदा एक एलईडी लाइट होता है। उस पर वो यूट्यूब पे आप देखेंगे ना कि वो जूम इन करके दिखा रहे होते हैं कि वो आप एलसीडी इन एलसीडी डिस्प्ले इन माइक्रोस्कोप ऐसे करके लिखेंगे ना, तो वो कैमरे से ना वो जूम करके वो दिखाते हैं कि जो एक पिक्सल एक्चुअल में एक एलईडी लाइट होता है जो आपका ये नया वाला डिस्प्ले है इसके अंदर। तो अगर 1600 पूरा है ना तो मैं इस पूरे पे भी उसको ले जा सकता हूँ ज़बरदस्ती,
अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं भी आ रहा ऑप्शन तो मैं उसको ज़बरदस्ती ले जा सकता हूँ, और इवन इससे भी ऊपर ले जा सकता हूँ मैं, यानी 1600 से भी ऊपर इसको मैं सिमुलेटेड में तो कुछ भी कर दूँ ना मैं, तो वो एक्चुअली अगर मैं इसको 1600 से मैं 3200 पे लेके चला जाऊँ, डबल पे, तो वो क्या होगा कि एक पिक्सल के अंदर दो पिक्सल आ रहे होंगे, लिहाजा वो मुझे स्क्रीन थोड़ी कटी कटी भी नज़र आ रही होगी, ठीक है, स्क्रीन मुझे क्या होगी थोड़ी कटी कटी, क्योंकि उसको मिलते हैं दो पिक्सल, लेकिन उसमें से या तो वो लेफ्ट वाले को या तो राइट एक ही को डिस्प्ले करा सकता है, दोनों को नहीं करा सकता क्योंकि हार्डवेयर पे मौजूद है 1600 पिक्सल, मैं उसको सॉफ्टवेयर लेवल पे कह रहा हूँ 3200 पिक्सल की चीज़ को डिस्प्ले कर दूँ, तो वो उसको कम करके डिस्प्ले कर रहा होगा, ठीक है। वेल, तो 14 इंच का डायगोनल इसमें डिस्प्ले बता रहे हैं ये, तो आई होप कि अगर 14 इंच का डायगोनल है तो इसमें भी जो विड्थ होगी वो 11 पॉइंट समथिंग ही होगी, तो मैं इसको रैंडमली ऐसे ही करता हूँ कि यार 1366 को ना 1366 को मैं डिवाइड कर लेता हूँ 11.01 पे जो हमने उसको किया था, तो ये 124 पिक्सल पर इंच आ गया नेटिवली इसके ऊपर, 124 पिक्सल नेटिव इसके ऊपर आ गया। अच्छा, अगर मैं यही चीज़ 1600 पिक्सल के साथ करूँ, 1600 डिवाइड बाई 14, तो हमारे पास कोई नहीं, 1600 डिवाइड बाई 11.01, 144-145 के अराउंड कुछ हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर जो नेटिव रेजोल्यूशन है वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, कि एक पे उन्होंने 227 किया हुआ है, इसके ऊपर आ रहा है 145 नेटिव। अच्छा, 145 नेटिव आ रहा है, तो ये 14 इंच का जो डिस्प्ले है, जैसे आपके पास दोस्त 14 इंच का डिस्प्ले, आप जो दोस्त बैठे हैं अपनी रेजोल्यूशन खोल के चेक करो क्या है इस वक्त। आमतौर पे ये जो 14 इंच का लैपटॉप होता है, इसमें जब आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट 1024 पिक्सल पे ये स्क्रीन चलती है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन वो 1024 पे आती है। अगर जैसे मैं यहाँ पे डिस्प्ले पे कर रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे ना वो 1024 पे ये चल रहा होता है। तो अब हम इसको, यानी ये 1024 जो है वो क्या है इसका, वो सॉफ्टवेयर लेवल का रेजोल्यूशन है, साइज़ है स्क्रीन का। तो अब अगर इसी 11.0 को अगर मैं डिवाइड मारूं, 1024 डिवाइड बाई 11.01, ठीक है, तो ये 93 पिक्सल पर इंच आ गया, ठीक है, 1360 पे चल रहा है आपका, सही है, गुड। तो ठीक है, 1024 से लेके ये 1366 या 1600 या 1500 या किसी पे भी आप हो सकते हैं। अच्छा, तो इसमें 93 पिक्सल पर इंच आ रहा है। अच्छा, तो आप लिहाजा देखा आपने कि यार जैसे हम एक हाई एंड डिवाइस के ऊपर थे तो उसमें हमें एक सर्टन पिक्सल पर इंच मिल रहा था सॉफ्टवेयर लेवल पे, लेकिन जैसे ही हम ज़रा सा नीचे आते हैं तो क्या होता है, वो भी सिग्निफिकेंटली डिक्रीज़ हो जाता है। अच्छा, अब जितने से भी हल्की से हल्की क्वालिटी का भी जो डिस्प्ले होगा वो ये 72 से नीचे नहीं जाएगा, 72 से वो ऊपर ऊपर ही रहेगा, 72 से वो नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड इन्होंने सेट किया हुआ है कि एटलीस्ट वो 72 से ऊपर ऊपर रहे। अच्छा, तो इसमें हमने क्या सीखा, अच्छा ये तो हमने हार्डवेयर लेवल पे सीख लिया, हमने ये सीख लिया कि हार्डवेयर लेवल पे एक सर्टन साइज़ होता है स्क्रीन का, और सॉफ्टवेयर सिमुलेशन जो होती है उसकी वो एटलीस्ट 72 तो होगी, उससे ऊपर होगी, उससे नीचे नहीं होगी। अच्छा, उससे बहुत ज़्यादा ऊपर भी हो सकती है, 200-250-300 तक भी हो सकती है वो सॉफ्टवेयर लेवल पे, और वो 124 या 95-90 तक वो हो सकती है, और मिनिमम वो आएगी 72 तक, उससे नीचे वो नहीं जाएगी, क्योंकि बुक में उन्होंने मेंशन किया कि जी ये स्टैंडर्ड है, इसके नीचे नहीं होगा, इस वजह से वो। अब हम ये बात कर लेते हैं, ये तो डिस्प्ले हो गया, हार्डवेयर हो गया हमारा और सॉफ्टवेयर हो गया, अब हम बात कर लेते हैं कि इमेज के अंदर, एक फ़ोटो के अंदर ये पिक्सल पर इंच का क्या मतलब है, जो कि एक बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट चीज़ है ये। अब फ़ोटो के अंदर ये पिक्सल पर इंच का ये चक्कर ये है कि यार एक पिक्चर मैंने स्क्रीन पे बोल दी कि 200 पिक्सल इसकी विड्थ है, एक पिक्चर मैंने कह दी कि जी इसकी पिक्सल, इसकी जो पिक्सल में विड्थ है वो 200 पिक्सल विड्थ है इसकी, अब वो स्क्रीन पे कितनी बड़ी नज़र आएगी, स्क्रीन पे वो डिपेंडिंग ऑन कि उस स्क्रीन पे कितने पिक्सल हैं उसका साइज़ स्क्रीन पे अलग नज़र आएगा। मिसाल के तौर पे अगर कोई स्क्रीन, जैसे मेरी स्क्रीन की अगर हम बात करें तो 1440 पिक्सल इसमें सॉफ्टवेयर लेवल पे दिख रहे हैं, तो 1440 पिक्सल की अगर कोई, हम 1440 ही ले लेते हैं, अगर 1440 पिक्सल की कोई इमेज है तो वो मेरी स्क्रीन पे एज टू एज नज़र आएगी, लेकिन अगर कोई
डिवाइस ऐसी है जिसमें 1440 पिक्सल नहीं है सॉफ्टवेयर लेवल पे, ठीक है। जैसे आपने दोस्त जिक्र किया कि 1366 है आपके पास, तो 1366 पिक्सल वाली जो स्क्रीन है उस पर क्या होगा कि वो ज़रा स्क्रीन से बाहर हो जाएगी, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा ही डिफरेंस है, लेकिन जितना डिफरेंस है उतना वो बाहर हो जाएगी, तो ये सीधी सीधी नज़र आ गई। तो लिहाजा क्या हुआ कि आपकी भी स्क्रीन 13 इंच की है ऑलमोस्ट, और मेरी भी स्क्रीन 13 इंच की है, लेकिन वही इमेज मेरे पास जब खुलती है तो एज टू एज स्क्रीन पे दिखती है वो, और सही दिखती है बिल्कुल, स्क्रॉल नहीं आता। लेकिन जब वो इमेज आपके पास स्क्रीन पे खुलती है तो उसमें थोड़ा सा स्क्रॉल आ जाता है। अच्छा, किसी स्क्रीन पे अगर वो 1024 पे चल रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा स्क्रॉल आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब 1024 के ऊपर चलने का मतलब है कि वो स्क्रीन 13 इंच की है तो वो तकरीबन मुझे 15 इंच की दिख रही होगी इमेज, स्क्रीन से वो बाहर जाके 15 इंच की तकरीबन बन रही होगी, और वही इमेज मेरी स्क्रीन पे पूरे 13 इंच की दिख रही है। तो हमने ये सीखा कि एक ही इमेज डिफरेंट डिवाइसेस पे साइज़ तो सेम है उसका ये पिक्सल्स के अंदर, लेकिन इंचेस में अगर हम बात करें तो वो डिफरेंट स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट हो जाता है साइज़ उसका, ठीक है। डिफरेंट स्क्रीन के ऊपर उसका साइज़ डिफरेंट हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे आता है पिक्सल पर इंच, इमेज के अंदर एक डेटा, एक मेटा डाटा। तो इन्होंने क्या किया कि एक मेटा डाटा इमेज के अंदर डाला कि पिक्सल पर इंच वाला, सही है। अच्छा, पिक्सल पर इंच वाला क्या चक्कर है कि मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ उसको कि आपका जो यानी 1440 पिक्सल की इमेज है, और मैं कहता हूँ कि यार आप जो है ना वो क्या हो जाओगे 100 पिक्सल पर इंच हो आप, ठीक है, 100 पिक्सल पर इंच है। अच्छा, तो मेरे हार्डवेयर को पता होती है ये बात, मेरे हार्डवेयर को और मेरे सॉफ्टवेयर को ये बात पता होती है कि मेरी स्क्रीन पे एक इंच कितना है, मेरी स्क्रीन के ऊपर एक इंच जो कितना है वो मेरे हार्डवेयर को पता होता है। क्यों पता होता है? क्योंकि उसको स्क्रीन का साइज़ एक तो पता है और इस वक्त क्या रेजोल्यूशन है वो पता है, ठीक है। तो मेरी स्क्रीन पे अगर मेरी 11 इंच की स्क्रीन है और 1440 उस पर पिक्सल है, तो वो उसको पता होता है कि यार एक इंच पे कितना पिक्सल दिख रहा है, तो उतने पिक्सल की अगर इमेज दिखाऊंगा तो एक इंच एग्जैक्ट मुझे दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो मेरे हार्डवेयर को ये बात पता होता है। तो अगर मैंने साथ में ये पिक्सल पर इंच लगा दिया उसके साथ में उसके मैंने पिक्सल पर इंच लगा दिया, मिसाल के तौर पे मेरी जो इमेज थी उसका जो पिक्सल में साइज़ था वो क्या था, 1440 पिक्सल साइज़ था विड्थ उसकी 1440 पिक्सल। अच्छा, उसमें मैंने ये PPI सेट कर दिया कि भाई 1440 पिक्सल पर इंच, उसमें मैंने ये PPI सेट कर दिया। लिहाजा क्या होगा कि वो इमेज जब मेरी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी ना, तो वो एज टू एज डिस्प्ले नहीं होगी, वो मेरी स्क्रीन पे एक इंच में डिस्प्ले हो जाएगी पूरी इमेज, क्योंकि मैंने बोला 1440 पिक्सल पर इंच, तो पूरी 1440 पिक्सल की जो इमेज है वो एक इंच में डिस्प्ले हो जाएगी। नहीं, मैंने इमेज पे बता दिया, इमेज को मैंने बता दिया कि आपने 1440 पिक्सल डिस्प्ले करना है एक इंच के अंदर। अच्छा, वो एक इंच में जब इतनी बड़ी इमेज एक इंच में दिखेगी तो उसकी क्वालिटी क्या होगी आप समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो क्या होगा, वो डिस्प्ले उसको एक इंच में कर देगा, ये समझ रहे हो बात। अच्छा, लेकिन वेब के अंदर बुक में जो उन्होंने बात की है ना कि इस मसले से आप आज़ाद हैं, इस मसले से आप आज़ाद इस वजह से हैं कि आपने एक रूल ऑफ थंब बना लेना है कि आपने हमेशा जो अपनी इमेज का जो पिक्सल में साइज़ है और रेजोल्यूशन जो है वो हमेशा 72 पे आपने सेट करना है। अच्छा, हमने ये भी बात सीखी कि अगर हम 72 से ज़्यादा उसका साइज़ रखेंगे, अगर हम उसका 72 से, मिसाल के तौर पर मेरे पास कोई 127 तक या पता नहीं 145 तक आ रहा था मेरी स्क्रीन के ऊपर, दोस्त की स्क्रीन के ऊपर जब हमने चेक किया तो काइंड ऑफ 95-100 तक इस तरह कुछ आ रहा था। तो अगर मैं उसका साइज़ बढ़ा के 72 PPI से अगर 100 भी कर दूँ तो मोस्ट डिवाइसेस पे मुझे उसका रिज़ल्ट नज़र आएगा कि जी वो मोस्टली डिवाइसेस अब 100 या 125 या 140 तक अब सपोर्ट करना शुरू हो गई हैं मोस्टली डिवाइसेस, तो मुझे 100 करने में भी उसका रिज़ल्ट नज़र आएगा। लेकिन उन्होंने बोला यार अगर आप 72 पिक्सल पर इंच पे सेट कर देते हैं ना तो डिजिटल डिस्प्ले के ऊपर ये इनफ है, ठीक है। 72 पिक्सल पर इंच पे अगर आप कोई इमेज दिखाते हैं तो उसकी आपको जो क्वालिटी है ना वो गुड इनफ दिखेगी। अच्छा, बढ़ा देंगे तो क्वालिटी बढ़ जाएगी, लेकिन एक ऑप्टिमम ये जो है ना रेजोल्यूशन है, इतने पे अगर आप दिखाते हैं ना तो कोई भी शार्प से शार्प इमेज आपको इतने पे सही नज़र आ जाएगी। अच्छा, यानी उसका सीन ये है कि अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे इमेज सर्च करूँ कोई, तो इस स्क्रीन के ऊपर मुझे जितना भी दिख रहा है ना, अच्छा ये जो प्रोजेक्टर है ना, मोस्ट प्रॉब्ली ये तो
ये पूरा 72 ही होगा या शायद 80 तक, उससे ज़्यादा नहीं होगा ये प्रोजेक्टर, क्योंकि ये जो प्रोजेक्टर है इस पे इस वक्त रेजोल्यूशन जो है वो क्या है अगर मैं यहाँ से देख पाऊँ, नहीं नॉट दिस सेटिंग होगी ना इसके अंदर, क्योंकि मुझे जो यहाँ मेरी स्क्रीन पे दिख रही है ना इमेज वो मेरे पिक्सल के हिसाब से दिख रही है, लेकिन आपको जो प्रोजेक्टर पे दिख रहा है वो इसके अंदर जो साइज़ है ना स्क्रीन का वो आपको दिख रहा है। अच्छा ये 1080p की रेजोल्यूशन मुझे दिख रही है यहाँ पर, अच्छा अब इन्होंने ये लिखा नहीं है कि 1080 पिक्सल जो है वो उसमें एक्चुअल रेजोल्यूशन क्या है। अच्छा ये इसका मैक्सिमम रेजोल्यूशन है, मतलब इससे ज़्यादा रेजोल्यूशन ये शो नहीं कर रहा है, ठीक है। अच्छा ये जो क्रोम कास्ट डिवाइस लगी हुई है ये 4K तक जाती है, ठीक है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली शायद इसको ये अंदाज़ा हो गया है कि इस डिस्प्ले के ऊपर 4K का रेजोल्यूशन नहीं दिखाया जा सकता, तो इसलिए शायद इसने जो है ना 1080p तक ही इसको लिमिट कर दिया है, इस चीज़ को देखते हुए कैपेबिलिटी को ना। तो अच्छा अगर मैं इसको 720 पे आकर सेट कर दूँ, तो ये 720 पे सेलेक्ट हो गया ये, ठीक है। कुछ ख़ास फ़र्क शायद टेक्स्ट में तो नहीं दिख रहा लेकिन मे बी डिस्प्ले पे दिखे, ठीक है। वापस पहले मैं इसको 1080 पे कर देता हूँ, अच्छा इस डिस्प्ले पे 1080 शायद जो होता है वो 1080 पिक्सल कितना होता है, ज़रा यहाँ से मैं चेक कर लेता हूँ। टेन एटी पी का जो साइज़ होता है वो 1920x1080 होता है, एक्चुअली ये साइज़ होता है। तो इस स्क्रीन पे आपको जो विड्थ जो दिख रही है वो एक्चुअली 1920 पिक्सल की विड्थ आपको दिख रही है। अच्छा इंचज़ में ये कितना साइज़ होगा, तकरीबन 70-80 इंचेस होगा ये विर्थ में, जो एक्चुअल दीवार पे जो ये लगा हुआ है प्रोजेक्टर इसकी जो विर्थ है ये शायद ये 100 इंच वाला इस पर पर्दा लगा हुआ है और थोड़ा सा साइड में इसके गैप आ रहा है, तो काइंड ऑफ मैं समझ रहा हूँ कि 80 इंच तक ये डिस्प्ले आपको दिख रहा है। तो 80 इंच पे आपको क्या दिख रहा है, 1920 पिक्सल आपको दिख रहे हैं। तो ये कितना बन जाएगा पिक्सल पर इंच, 1920/80 तो ये तकरीबन 24 पिक्सल पर इंच बनता है। तो इस डिस्प्ले में तकरीबन 24 पिक्सल पर इंच दिख रहा है। अच्छा लिहाजा इसके अंदर जो इमेजेस है ना वो थोड़ी सी मुझे लो क्वालिटी दिखेगी। अगर मैं कोई इमेज डिस्प्ले करता हूँ यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे और यहाँ पे, तो उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस एक मुझे देखने में आएगा, ठीक है। ये मैंने एक स्क्रीन पे पिक्चर डिस्प्ले की हुई है अपने, और मैं आपको अपनी स्क्रीन, अगर ये वैसे इमेज इतनी हाई क्वालिटी है नहीं, थोड़ी सी नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ हाई रेजोल्यूशन दे रहा हूँ पिक्सल बे, मैं HD ज़रा यहीं पे अगर लिख दूँ ना, अच्छा ये सिग्निफिकेंट। अच्छा अब यहाँ पे जो पिक्चर की जो शार्पनेस नज़र आ रही है, और ये अगर मैं अपना डिस्प्ले आपको पलट के दिखाऊं तो यहाँ पे जो शार्पनेस है इसमें एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, और ये किस वजह से है, क्योंकि इसमें हार्डवेयर लेवल पे ही पिक्सल पर इंच जो है वो मेरे पास अवेलेबिलिटी उसकी कम है। अच्छा अगर यही डिस्प्ले जो है वो 13-14 इंच का होता तो ऑटोमेटिकली इसका पिक्सल पर इंच जो है वो बढ़ जाता। अच्छा अगर इसके ऊपर इस लेवल पे मुझे 72 पिक्सल पर इंच अगर चाहिए मुझे, तो इसकी रेजोल्यूशन मुझे शायद बहुत ज़्यादा साइज़ बढ़ानी पड़े, यानी इसका जो पिक्सल में जो साइज़ है नेटिव उसको शायद मुझे बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़े। तो वेल तो हमने क्या सीखा यहाँ पे, हमने ये सीखा कि ये पिक्सल पर इंच जो है ना ये एक प्रॉब्लम है जो डिफरेंट डिवाइसेस पे डिफरेंट होगी वो। और अब मिसाल के तौर पे इस स्क्रीन के ऊपर अगर मैं कोई ऐसी इमेज डिस्प्ले करता हूँ जो 72 पिक्सल पर इंच की है, तो वो मुझे वो 24 जितनी तो दिखेगी, बाकी को वो स्किप कर देगा, बाकी वो दिखाई नहीं सकता क्योंकि उसमें उतने पिक्सल मौजूद ही नहीं है, ठीक है। तो वेल तो हम वापस आ जाते हैं इस पर। अच्छा अब जब हम ये वाली बात पढ़ेंगे ना तो हमें ये समझ आएगा कि ये क्या बात लिखी है उसने,
क्योंकि हमारे पास पहले डेटा नहीं था कि पिक्सल पर इंच हार्डवेयर पे क्या होता है और फोटो के अंदर क्या होता है, ये दो चीज़ हमने अब सीख लिए। तो अब यहाँ पे ये कह रहा है कि इमेजेस क्रिएटेड फॉर वेब शुड बी सेव्ड एट रेजोल्यूशन ऑफ 72 पिक्सल पर इंच, कह रहा है कि इसको 72 पिक्सल ही होना चाहिए। द हायर द रेजोल्यूशन ऑफ द इमेज द लार्जर द साइज ऑफ द फाइल। अब ये बात हमें समझ आ गई है, मिसाल के तौर पे 1440 पिक्सल की अगर एक इमेज है और उसको मैंने अगर कहा हुआ है कि यार 100 ppi तो इस 1440 का मतलब कि वो तकरीबन 14 इंच की दिखेगी मुझे स्क्रीन पर, ठीक है। अगर मैं उसमें कह देता हूँ 500 ppi तो वो मुझे 1440 में 500 करके मतलब 2.5 या 3 इंच की दिखेगी वो इमेज मुझे। लेकिन इसको मैं जितना बढ़ाता जाऊँगा ना उतना मेरे इमेज का जो क्या होता जाएगा, जो डिस्क के ऊपर साइज़ है वो भी बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, इस सेंस में नहीं बढ़ेगा, अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास एक इमेज 1440 पिक्सल की है और मैं जस्ट उसका PPI बढ़ा रहा हूँ, और जब PPI बढ़ेगा तो ज़ाहिर है उसका साइज़ उस हिसाब से हो जाएगा, तो वो तो साइज़ बढ़ा नहीं ना एक्चुअली, वो साइज़ एक्चुअली बढ़ा तो नहीं वो। लेकिन ये इस सेंस में कह रहा है कि अगर एक इंच का एक लोगो है वो 100 पिक्सल का होता है, वो एक इंच का जो लोगो है वो 100 पिक्सल का होता है, लेकिन मैंने एक इंच की पिक्चर को 1440 पिक्सल का बना दिया, तो सिग्निफिकेंटली जो है वो एक इंच की दिखने वाली इमेज का साइज़ बड़ा हो गया। तो वो इस सेंस में कह रहा है। अच्छा, किसी भी इमेज का जो पिक्सल पर इंच है उसको मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ, अभी एक सवाल है। इसको चेक करने के लिए हम चलते हैं एक स्प्लैश से एक इमेज उठा लेते हैं, क्या नाम था इसका, अनस्प्लैश, ठीक है। अनस्प्लैश से मैं क्या कर लेता हूँ, एक इमेज उठा लेता हूँ। अच्छा ठीक है, ये मैंने इमेज यहाँ से उठा ली। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट कहीं पे मेंशन भी किया हुआ था शायद कि जो है ना ये कितने उसकी है। वेल, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, तकरीबन 5 MB इस इमेज का साइज़ है, और मैं अपने डाउनलोड्स के फोल्डर में जाके इसको यहाँ पे देखता हूँ अगर, तो मुझे यहाँ पे ना रेजोल्यूशन की जगह पे इसमें 72 पता लग रहा है। तो ये जो इमेज है बाय डिफ़ॉल्ट ये कितने पिक्सल कितना रेजोल्यूशन है इस इमेज का, इसका जो रेजोल्यूशन है, एक तो साइज़ है इमेज का, वो साइज़ हमें दिख रहा है 5800 जो है वो दिख रहा है मुझे हॉरिजॉन्टली और बाकी जो वर्टिकली। तो असल में तो रेजोल्यूशन हम जब बोलते हैं तो जहन में ये आता है, ये वाली चीज़ आती है ना, लेकिन एज एक्चुअल में रेजोल्यूशन इस वाली को नहीं कहते, रेजोल्यूशन कहते हैं 72 पिक्सल पर इंच जो है ना उसको रेजोल्यूशन कहते हैं। अच्छा, इसको क्या कहते हैं फिर हम, इसको हम कहते हैं डायमेंशन। ये क्या हुआ, रीस्टार्ट हो गया गूगल फॉर्म। हाँ नहीं, ये वाला ये ना वो रीस्टार्ट हो गया, एक्चुअली हुआ ये कि मैंने अपना लैपटॉप सेम पावर बैंक पे जब इंसर्ट किया ना तो वो पावर बैंक का आउटपुट रीसेट हुआ है, तो वो थोड़ी देर के लिए डिसकनेक्ट हो गया, दोबारा कनेक्ट होता है, जिसकी वजह से क्या हुआ ये क्रोम कास्ट जो है वो रीस्टार्ट हो गया। अच्छा, तो मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, और मैंने इसको डाउनलोड करके क्या कर दिया, 5800 इसका साइज़ है और 72 पिक्सल पर इंच जो है इसकी रेजोल्यूशन है इस वक्त। अच्छा, अब सवाल ये है कि मैं इसकी रेजोल्यूशन को आया के बढ़ा सकता हूँ, अगर बढ़ा सकता हूँ तो कैसे, ये सवाल है। अच्छा, तो इसका जो सिंपल जवाब है वो तो ये है कि यार इसके रेजोल्यूशन को आप नहीं बढ़ा सकते, इसके रेजोल्यूशन को आप ये जितनी है उससे कम तो कर सकते हैं लेकिन आप इसको बढ़ा नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी फिक्स्ड है। अच्छा, लेकिन एक तरह से अगर टेक्निकली देखा जाए तो उसको मैं बढ़ा भी सकता हूँ। अभी इसका साइज़ है 5800, इसकी जो विड्थ है वो 5800 है, तो ये गायब क्यों हो गया बार बार, इसकी जो विड्थ है वो 5800 है, तो मैं क्या करता हूँ 58, 59, ठीक है, ये इसकी विड्थ है इस वक्त।
अच्छा इसको मैं डिवाइड करता हूँ 72 पे, ठीक है 72 पे, तो ये 81 आता है आंसर। यानी इसको अगर मैं 5800 पूरा डिस्प्ले कर देता हूँ तो ये इमेज मेरी स्क्रीन पे 81 इंच की डिस्प्ले होनी चाहिए, या किसी भी स्क्रीन के ऊपर जो 72 पिक्सल को दिखाना जानती है जो स्क्रीन, यानी कि जिस स्क्रीन की रेजोल्यूशन जो है वो 72 तक सपोर्टेड है, भले वो अब 100 हो भले 124 हो जो भी हो वो 72 तक सपोर्टेड है, तो उस स्क्रीन पे ये इमेज जो है ना 81 इंचेस की नज़र आनी चाहिए। अच्छा अगर मैं ये कर दूँ कि समहाउ एट द सेम टाइम इसका मैं ये पिक्सल पर इंच 100 कर दूँ और उसी को कैलकुलेट करके इसका जो विड्थ पिक्सल में जो विड्थ है उसको सिग्निफिकेंटली मैं कम कर दूँ तो वो एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि फोटोशॉप या कोई इस तरह का सॉफ्टवेयर ये चीज़ अलाउ करता है। ठीक है तो इसको हम करके देखते हैं, ज़रा इसको करने की कोशिश करते हैं अगर इसको अच्छा, वैसे इसको मैंने बढ़ाना नहीं है, इसको मैंने बढ़ाना नहीं है, लेकिन स्टिल लेट्स ट्राई। तो मैं क्या करता हूँ फोटोपिया पे चला जाता हूँ और फोटोपिया पे जाके इसके रेजोल्यूशन के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता हूँ, तो हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकलता है उसका। अच्छा सबसे पहले तो मैं इसका क्या करता हूँ साइज़ ना ज़रा राउंड फिगर कर लेता हूँ, अभी तो ये 58-59 है ना, इसका मैं साइज़ कर लेता हूँ पूरा 5000। पूरे 5000 करने के लिए मैं क्या करूँगा इसको क्रॉप कर लेता हूँ मैं। ठीक है मैंने क्रॉप किया इसको और मैंने कहा कि यार जो ओरिजिनल रेशो है ना उसी पे मैंने इसको करना है, और मैंने कहा कि यार इसको पूरा 5000 करो। ठीक है पूरा 5000 कर दिया मैंने। ओहो सही है, मैंने कहा यार इसको ना इतना क्रॉप कर लो, ये क्या चक्कर है यार ओरिजिनल रेशो तो नहीं हुआ ये, चलो ऐसे कर लेते हैं। सही है मैं इसको 5000 पे ला रही हूँ, वो शुरू हूँ ठीक है 5000 पे मैं इसको लेकर आ गया, टिक लगा दिया मैंने। तो ये मेरे पास ना एक 5000 पिक्सल की एक इमेज इस वक्त यहाँ पे मौजूद है मेरे पास। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ इसमें जाता हूँ फाइल में और एक्सपोर्ट का बटन दबाता हूँ यहाँ पे। अच्छा इस इमेज को कौन से वाले में साइज़ में होना चाहिए, PNG JPG कौन सा, JPG आइडियल है इसके लिए। ठीक है तो मैं JPG पे क्या कर देता हूँ क्लिक कर देता हूँ। अच्छा JPG पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ देखो अब इस इमेज इस पिक्सल की जो विड्थ है वो 5000 है और हाइट उसके अकॉर्डिंग जो भी बनती थी वो यहाँ पर आ गई है। ठीक है पिक्सल के अंदर ये यार यहाँ पे इसको मुझे वो नहीं दिया इसने, PPI सेट करने का ऑप्शन नहीं दिया इसने मुझे। अच्छा PPI यहाँ से सेट नहीं होता, आई थिंक ये इमेज में से जाके सेट होता है, इमेज साइज यहाँ पे से PPI सेट होता है। ठीक है अच्छा DPI या PPI एक ही बात होता है, सही है DPI या PPI एक ही चीज़ के दो नाम है। अच्छा डॉट इसको स्पेसिफिकली जो डॉट का वर्ड है वो प्रिंट के लिए इस्तेमाल होता है, और पिक्सल पर इंच जो है वो पिक्सल डिजिटल स्क्रीन के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर डॉक्यूमेंट दोनों तरह के डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं, प्रिंट करने के लिए भी तैयार किए जाते हैं और डिजिटल स्क्रीन के लिए भी। तो शायद इस वजह से इन्होंने यहाँ पे जो टर्म इस्तेमाल किया ना वो DPI इस्तेमाल किए बजाय PPI करने के। अच्छा अब अगर इसमें PPI को चेंज करूँ और 72 से हटा के इसको मैं 100 कर दूँ अगर, तो सिग्निफिकेंटली इसका साइज़ बढ़ा दिया इसने, ठीक है 6000 कर दिया। अच्छा लेकिन मैं इसका साइज़ अगर वापस वही कर दूँ तो मैंने इसका एक्चुअल में क्या कर दिया, अच्छा अभी तो ये ओरिजिनल साइज है, ओरिजिनल साइज पे मैंने इसका रेजोल्यूशन बढ़ाया तो इसका मतलब है कुछ फेक पिक्सल ऐड करेगा ये, ठीक है कुछ फेक पिक्सल ऐड करेगा जो कि एक्चुअल एग्जिस्ट नहीं करते और वो कैलकुलेट करेगा एग्जिस्टिंग पिक्सल्स से। ठीक है ये CGI कहते हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स की टर्म्स इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स में क्या होता है कि वो एवरेज निकाल के साइज़ को कम करना और बढ़ाना वो उस तरह से हो रहा होता है, तो वो फेक पिक्सल कुछ उसने ऐड किए हैं जो एग्जिस्टिंग पिक्सल को कैलकुलेट करते थे। अच्छा लेकिन मेरी जो ये इमेज थी ना वो 72 पिक्सल की इमेज थी,
मेरे पास टोटल 5000 पिक्सल थे, टोटल मेरे पास 5000 पिक्सल थे जो कि डिवाइडेड थे किस पे, 72 पे, तो ये मुझे 69 इंचेस की दिखती थी इमेज। अच्छा, लेकिन अब मुझे क्या करना है, इसको 100 पे करना है, ठीक है। तो मैं अगेन क्या करता हूँ, 5000 पिक्सल की मेरे पास टोटल 5000 पिक्सल्स मौजूद हैं एक्चुअली, और उसको मैंने डिस्प्ले करवाना है अब कितने पे, 100 पे। तो मैं इसको अब डिवाइड करूँगा 100 पे, ठीक है। तो फिर मुझे ये 50 इंच की दिखने लग जाएगी ये वाली। अच्छा, तो देखते हैं अब इसको करके, इसको मैंने ओके किया यहाँ से। एक्चुअली मुझे एक कैलकुलेशन करनी थी जो मैंने शायद वो गलती उसमें गड़बड़ कर दी है। मैंने करना ये था कि 5000 तो मैंने इसको एक्चुअल पिक्सल्स है ना 5000, तो अभी मैंने इसको 100 किया तो ये फेक पिक्सल्स ऐड करेगा, तो मुझे इसके साइज़ को इतना सिग्निफिकेंटली डिक्रीज करना है कि उसमें फेक पिक्सल कोई भी ऐड ना हो। ये काम कैसे होगा, किस चीज़ को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आएगा आंसर। फाइव थाउजेंड ही पिक्सल रहे हैं मेरे, और अच्छा नहीं, ये सही है ना, ये इसने खुद ही कैलकुलेट कर लिया, मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे ही ये पिक्सल बढ़ाया था इसने को 7000 कर दिया था इसको, तो मैंने वापस उसको कम कर दिया, दैट्स इट। तो अब ये शायद आई एम नॉट श्योर अभी ये फेक पिक्सल इसमें ऐड करेगा या नहीं, तो हम इसको देखते हैं। जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा ना, तो इमेज का साइज़ अपनी जगह से हिलना नहीं चाहिए, अगर अपनी जगह से हिल जाता है इसका मतलब है इसने उसको बढ़ा दिया। इमेज का साइज़ बिल्कुल सेम है अभी, लेकिन इसका क्या बढ़ गया, अब इसका पिक्सल पर इंच जो है वो इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ, एक इसका जो एक्सपोर्ट है वो इसके साथ निकाल लेता हूँ, और एक इसका एक्सपोर्ट जो है वो 72 वाले के साथ निकाल लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ JPG, ठीक है, 5000 JPG। मैंने इसको कह दिया कि यार 100 PPI एक्सपोर्ट, इसका ये नाम रख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, क्वालिटी को ये क्या कर रहा है, 90% इसने सेट किया हुआ है क्वालिटी को, चलो हम इसको रहने देते हैं, इसको हम छेड़ते नहीं हैं। अच्छा, कन्वर्ट टू sRGB को भी हम क्या हो रहा है, ये स्टक हो जा रहा है। कन्वर्ट टू sRGB वगैरह भी मैंने नहीं किया कि यार जो है वो वही रहे, वैसे तो sRGB ही होती है नॉर्मली इमेज, लेकिन इसको मैंने इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की, ठीक है। और सेम सेटिंग पे मैंने क्या कर दिया, इसको एक्सपोर्ट कर दिया, तो ये एक एक्सपोर्ट निकल आया। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक्चुअली कंट्रोल जेड कर लूँगा तो वो खुद ही वो अपनी जगह पे आ जाएगा। मैं कंट्रोल जेड करके दोबारा इमेज में जाता हूँ और इमेज साइज़ पे देखता हूँ तो वो 72 हो चुका है, ठीक है, क्योंकि एक एक्शन मैंने कंट्रोल जेड से उसको ख़त्म कर दिया। तो मैं इसको कट कर जस्ट मेक श्योर करने के लिए मैंने किया था। अब मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ दोबारा एक JPG के अंदर, और अभी भी इसका जो पिक्सल में साइज़ है वो 5000 ही है, और क्वालिटी इसकी 90% है, और 4.4 MB ही इसका साइज़ है, क्योंकि साइज़ एक्चुअल में पिक्सल्स का होता है, लेकिन उसको कितने इंचेस पे दिखाना है, सेम पिक्सल को कितने इंचेस पे दिखाना है, तो ये मेरा जो है ना वो हार्डवेयर डिसाइड करता है, ठीक है। अच्छा, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, सेव का बटन दबा देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ये दो एक्सपोर्ट इसके आ गए, ये वाला जो है वो शायद 72 PPI का एक्सपोर्ट गया है, ठीक है। अब मेरे पास ये दो इमेजेस हैं, यहाँ पे मुझे ये सिमिलर दिख रहे हैं, लेकिन अगर मैं नीचे आकर देखता हूँ यहाँ पे, तो एक में 100 है और एक में 72 पिक्सल पर इंच है, ठीक है। पिक्सल में साइज़ दोनों का सेम है, डिस्क के ऊपर जो साइज़ है वो दोनों का सेम है, ठीक है। अच्छा, अब लेकिन जहाँ पे इस इमेज को मैं डिस्प्ले करता हूँ, जहाँ पे मैं इस इमेज को डिस्प्ले करता हूँ, तो जिस जगह पे भी ये डिस्प्ले होगी ना, अगर वो वेब ब्राउज़र है या वो कोई इमेज व्यूअर है, तो उस इमेज व्यूअर को या उस वेब ब्राउज़र को ना ये डेटा मिलता है कि इस इमेज को कितने PPI पर डिस्प्ले करना है। तो अगर तो अवेलेबल हुआ 100 PPI, तो इसको ये 100 PPI पर डिस्प्ले करेगा, ठीक है। लिहाजा क्या होगा कि दोनों इमेज जो है वो उसका पिक्सल में साइज़ तो 5000 है, लेकिन जो ये हायर रेजोल्यूशन वाली इमेज होगी ना, ये थोड़ी सी छोटी दिखनी चाहिए स्क्रीन के ऊपर, इंचज़ में ये थोड़ी छोटी दिखनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये एक इंच में ज़्यादा पिक्सल डिस्प्ले करवा रहा हूँ मैं ज़बरदस्ती, और जो 72 वाली है वो थोड़ी बड़ी दिखनी चाहिए, डिपेंडिंग ऑन कि मेरे पास क्या पिक्सल पर इंच है। अच्छा, तो अब इस दोनों को हम यहाँ से क्या करते हैं, उठा के ले जाते हैं अपने VS कोड के अंदर, ठीक है, और इमेजेस के अंदर इसको मैं ले जाके डाल देता हूँ। अच्छा, और मैं क्या करता हूँ, नीचे आके यहाँ पे
इमेज का जो दो टैग लगाता हूँ, एक में मैं लगा देता हूँ 72 PPI वाला और दूसरे में मैं लगा देता हूँ 100 वाला, और देखते हैं कि इसके अंदर कोई डिफरेंस आता है कि नहीं आता है। ठीक है जी, इसको मैंने रिफ्रेश कर लिया, तो अब मेरे पास यहाँ पे ये इमेज क्या हो गई है, दोनों की दोनों इमेज डिस्प्ले हो गई है। ठीक है, अच्छा, क्योंकि स्टिल इस इमेज का साइज़ है 5000 पिक्सल, तो ये 5000 पिक्सल पूरा डिस्प्ले हुआ है स्क्रीन के ऊपर। मेरी स्क्रीन तो जस्ट 1440 पिक्सल की थी, तो वो पूरा 5000 पिक्सल इसका डिस्प्ले हुआ है। तो इस इमेज के अगर हम चलते हैं इस कॉर्नर तक और जाके हम चेक करते हैं कि ये दोनों इमेज जो है वो बिल्कुल बराबर डिस्प्ले हुई है। सही है, तो मोस्ट प्रॉब्ली जो गूगल क्रोम है ना, उसको 72 पे ही ज़बरदस्ती डिस्प्ले करवा रहा है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इसको जूम आउट करके देखूँ कि जो दोनों की क्वालिटी है वो ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम डिस्प्ले हो रही है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था यार, ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, चलो ये मैं आप लोगों के लिए रिसर्च छोड़े जा रहा हूँ कि दोनों का रेजोल्यूशन डिफरेंट था लेकिन स्टिल वो सेम साइज़ पे क्यों डिस्प्ले हुई है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूँ। तो ये हमने PPI और DPI को ना ज़रा डिटेल में डिस्कस कर लिया। अच्छा, अगर इसको मैं इमेज व्यूअर में खोलता हूँ, वहाँ पे भी चेक कर लेते हैं कि इमेज व्यूअर पे क्या ये सेम साइज़ पर डिस्प्ले हो रहा है। अच्छा, इमेज व्यूअर तो खैर इसको वो उस तरह से खोल ही नहीं रहा। इमेज व्यूअर तो इसको ना एक इसका सिमुलेटेड साइज़ ओपन कर रहा है, जो मेरी स्क्रीन के हिसाब से ओपन कर रहा है, और ये भी इसने एक्चुअल में सिमिलर ही ओपन किया है साइज़। ठीक है, तो आई एम नॉट श्योर कि अब हमने जो वो छेड़छाड़ की थी उसके साथ उससे कोई फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा, या आई एम नॉट श्योर कि शायद गूगल क्रोम उस PPI को कंसिडर ही ना कर रहा हो। ऐसा भी हो सकता है कि गूगल क्रोम हो सकता है उस PPI को कंसिडर ना कर रहा हो और उसको जितना गूगल क्रोम को स्क्रीन पर मिलता है उस हिसाब से डिस्प्ले कर रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसने ये बात कर दी, तो लिहाजा हम यहाँ हमने फ़िलहाल जो भी एक्सपेरिमेंट किया उससे हमें पता लगा कि भाई दोनों रेजोल्यूशन के ऊपर ना इमेज का साइज़ सेम दिखता है, लेकिन हमें ये पता लग गया कि ये एक्चुअली होती क्या चीज़ है। अच्छा, अब यहाँ पे ये मज़ीद कुछ बात कर रहा है रेजोल्यूशन के बारे में ही बात कर रहा है, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है JPG इमेज को समझने के हवाले से। बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसने कहा कि यार JPG, GIF या PNG इमेज जो है वो कौन सी टाइप है, वो कहलाती है बिट मैप। ठीक है, अच्छा, बिट मैप क्या होता है? दे आर मेड अप ऑफ लॉट्स ऑफ मिनिएचर स्क्वायर, के छोटे छोटे स्क्वायर होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पिक्सल। तो उससे मिलके जो इमेज बनती है ना उसको बिट मैप कहते हैं। तो ये JPG है और PNG है और ये GIF जो है, ये तीनों जो फॉर्मेट्स इसने डिस्कस किए थे वो क्या है, वो बिट मैप टाइप के फॉर्मेट हैं। अच्छा, ये बात समझ आ गई। तो इसमें क्या है कि जी 1x1 इंच के ऊपर जो है ना ये जो एरिया है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स फिट होंगे ना, उसको ये रेजोल्यूशन कह रहा है। तो वो हमने यहाँ देख लिया, लेकिन उसका असर गूगल क्रोम पे फिलहाल अभी हमने देखा कि वो नहीं हो रहा है। आई एम नॉट श्योर कि वो क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे इसने एक और क्लेम किया है कि जी द वेब ब्राउजर ऑफ मोस्ट डेस्कटॉप कंप्यूटर्स डिस्प्ले इमेजेस एट अ रेजोल्यूशन ऑफ 72 पिक्सल। अच्छा, ये कह रहा है कि जो वेब ब्राउजर होता है ना वो 72 पिक्सल पे ही उसको डिस्प्ले करता है, शायद इसने ये क्लेम किया है और हमने वो देख भी लिया है। अच्छा, इमेजेस इन प्रिंट मटेरियल सच एज बुक मैगजीन आर मेड अप ऑफ सर्कल टाइनी स्क्वायर्स, सर्कल टाइनी सर्कल्स। पिक्सल हमने देखा स्क्वायर होता है और प्रिंट के अंदर जो चीज़ होती है वो सर्कल होता है। अच्छा, वो सर्कल क्यों होता है? सर्कल इस वजह से होता है क्योंकि जब इंक होता है ना, जो इंक, अगर आप एक पेन लेते हैं या कोई मार्कर लेते हैं या कोई इंक पेन लेते हैं, फाउंटेन पेन भी जिसको कहते हैं, उसको आप पेपर पे यूँ टच करके आप उठाते हैं ना अगर, तो जो शेप बनती है वो सर्कुलर शेप होती है, वो स्क्वायर शेप नहीं होती है। ठीक है, वो सर्कुलर शेप होती है। तो जाहिर है प्रिंटिंग प्रेस में जो इस्तेमाल होती है चीज़ वो इंक ही इस्तेमाल होती है ऑब्वियसली। तो आप लोगों ने वैसे देखा है प्रिंटिंग प्रेस किस तरह का होता है? प्रिंटिंग प्रेस में क्या होता है, एक स्टैम्प टाइप की चीज़ होती थी, जो पुराना वाला प्रिंटिंग प्रेस है, अभी वाला, ये प्रिंट वाले की बात नहीं कर रहा, प्रिंट उसी को फिर नेक्स्ट जो लेवल है उसका, वो प्रिंट के ऊपर हम पहुँचे हैं अगर। तो उसमें ये होता था, एक स्टैम्प होता था, उसको इस्तेमाल करते थे, उसको इंक में लगाते थे और उससे छाप लेते थे हम ना, जो लिखा हुआ टेक्स्ट वगैरह उससे छापा जाता था। अच्छा, अभी वाला जो प्रिंटर हमारे पास है वो एक्चुअली क्या करता है, वो डॉट्स पे काम करता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर उसको जैसे ये लिखा हुआ है ना कि इमेज, उसको लिखा हुआ डिस्प्ले करना है अगर,
तो वो एक्चुअली उसको क्या करता है, वो पूरे पूरे स्टैम्प नहीं होते, वो पूरे पूरे स्टैम्प आई एम नॉट श्योर कि आप वो समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे, हम उसको देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं नहीं दिख रहा, अच्छा तो वो कुछ इस तरह की चीज़ होती थी ना, मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि पूरा न्यूज़पेपर इस तरह से बनाया जाता था, वो छोटे 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 ये वर्ड्स ना अलग अलग होते थे, ये अलग अलग होते हैं वर्ड्स, तो अब जैसे आपको लिखना है ना कि मतलब पाकिस्तान इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, तो वो पी अलग है, ए अलग है, के अलग है, तो पूरे को यूँ सजाते थे और इस तरह का ये बना होता था, यानी न्यूज़पेपर की शेप में ये बना होता था, उल्टी लिखाई होती, हाँ उल्टी लिखाई वाला उसके अंदर ना, ये देख रहे हो इस तरह अलग अलग, ये एक 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 ये ज़रा जूम इन करके लिया हुआ है, वो इस तरह एक एक अलग अलग होता था और उसको वो करते थे। अब इसमें मसला ये था कि टेक्स्ट तो प्रिंट हो गया लेकिन इमेजेस के लिए, तो इमेजेस के लिए ये बनाते थे, यानी आप इमेजिन करें कि एक इमेज अगर छापनी है एक न्यूज़पेपर में तो उसके लिए पूरा ये स्टैम्प तैयार होगा, ठीक है। तो ज़्यादातर जो ये इमेजेस होती थी ना, आप देखें ये कोई एडवर्टाइजमेंट है, ये कोई एडवर्टाइजमेंट है तो उसके लिए तो चलो बना लिया हमने, क्योंकि वो उसने हर रोज़ वो ऐड छापना है डिफरेंट है भाई, हर वीक संडे वाले दिन हर संडे को उसने वो ऐड छापना है, वो सेम रहेगा हर दफ़ा, तो चलो उसके लिए तो हमने बना लिया। लेकिन हमारे यहाँ जैसे आज का अखबार होता है कि जी कोई हादसा हुआ तो उस हादसे की फ़ोटो होती है, तो ये दिस वॉज इम्पॉसिबल विद दिस प्रिंटिंग प्रेस ना। तो अब इसका ये एग्जैक्टली कोई नाम भी होता होगा, क्या नाम है इसका, प्रिंटिंग प्रेस स्टैम्प ही, अच्छा स्टैम्प्स ही कहते हैं इसको, स्टैम्प्स ही कहते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट हमारे पास फोटोज़ आ गई हैं, ये स्टैम्प को ना इसके ऊपर सजाया हुआ है और वो पूरा एक पीस बना हुआ है, ठीक है। अब ये हम देखते जाएंगे ना, ये मतलब ये हज़ारों की तादाद में उनके पास ये होते थे लेटर्स, ये हज़ारों की तादाद में, अच्छा और हर फॉन्ट के लिए अलग, जैसे आप इसमें नोट कर रहे हैं कुछ स्टैम्प किसी दूसरे फॉन्ट के हैं, कुछ किसी दूसरे फॉन्ट के हैं, तो एक स्टैम्प एक फॉन्ट के जो सारे स्टैम्प्स होंगे, जैसे मुझे लिखना है ना अगर पाकिस्तान इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, तो उसमें ए कितनी दफ़ा आ रहा है, तो वो सारे ए मुझे एक वाले चाहिए, तो ए 1000 A 1000 B 1000 C एक ही फॉन्ट का, ये पूरा एक पूरा बक्सा, फिर दूसरे फॉन्ट का, फिर इसी तरह फिर तीसरे फॉन्ट का, तो आप इमेजिन करें कि वो प्रिंटिंग प्रेस का आधा तो स्टोर इससे भरा होता था। तो इसमें पिक्चर विक्चर का तो सीन ऑफ था। अच्छा अभी जो हमारा जदीद प्रिंटिंग जो होती है, जिसमें जो लेज़र प्रिंटर या इंक जेट जो प्रिंटर है, तो उसके अंदर वो क्या करते हैं, उसके अंदर जो है ना वो पिक्सल्स को ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन वो पिक्सल एक्चुअली क्या होते हैं, वो सर्कुलर होते हैं। अच्छा सर्कुलर वो क्यों होते हैं, क्योंकि जो जेट होता है उसका प्रिंटिंग प्रेस का, तो वो क्या करता है पेपर पे ना, जब उसमें पेपर एंटर होता है, आप इमेजिन करें कि ये पेपर है, ये पेपर है और ये प्रिंटिंग प्रेस में एंटर हुआ है, तो वो जो जेट होता है ना वो ये ऐसे चलता है, ऐसे यूँ साइड बाय साइड इस पे मूव करता हुआ ऐसे नीचे की तरफ आता है, और वो क्या करता है जब ये मूव कर रहा होता है ना, तो वो एक लाइन जो प्रिंट करता है, मतलब मिसाल के तौर पर ये जो इमेज वाला पार्ट है, ये हो सकता है 100 लाइनों के पे मोहित हो, ये तो एक लाइन जब जाएगी तो वो इस पे एक इंक फेंकेगा, इस पे फेंकेगा, इस पे फेंकेगा, इस पे फेंकेगा, तो इंक एक्चुअली स्प्रे करता हुआ वो गुजर रहा होता है, तो जब इंक को फेंका जाता है ना, तो वो जो जहाँ पे शेप बनती है वो काइंड ऑफ एक सर्कुलर शेप बनती है, वो स्क्वायर नहीं बन सकती, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि इंक मैं फेंकूँ और वो स्क्वायर बने, तो वो सर्कुलर बनता है। तो इस वजह से यहाँ पे जो है ना इन्होंने कहा है कि यार जो आपका images in print materials such as books, magazines are made up of tiny circles called dots. These images are usually printed at resolution of 300 dots per inch. मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास 10 इंच का पेपर है, उसकी विड्थ अगर 10 इंच है मेरे पास, तो उसकी जो विड्थ में जो डॉट्स होंगे उसके ऊपर वो टोटल कितने होंगे, वो 300 से मल्टीप्लाई उसको मार लेंगे कि 10 इंच मल्टीप्लाई बाय 300 तो 3000 डॉट्स होंगे एक्चुअली, ठीक है 3000 डॉट्स होंगे उसके ऊपर, तो ये स्टैंडर्ड है प्रिंट का। अगेन प्रिंटिंग भी इससे ज़्यादा रेजोल्यूशन पे की जा सकती है और इससे कम रेजोल्यूशन पे भी की जा सकती है। हमारे यहाँ जो आज के जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उसकी अगर जो उस पर फ़ोटो छपी हुई होती है, ख़ासतौर पर शाम का जो अखबार है, ज़रा कम बजट वाला जो होता है,
उसकी अगर इमेज को आप करीब से देखेंगे ना तो उसमें पिक्सल आपको बकायदा नज़र आ रहे होते हैं, तो वो 300 पे नहीं होता है। 300 पे वो वाला होता है जैसे जैसे ये जो रॉस पेटल का डब्बा पड़ा हुआ है, तो इस पे जो प्रिंटिंग हुई हुई है ना वो 300 वाली हुई हुई। इस पे आप जितना भी गौर करेंगे आपको पिक्सल नज़र नहीं आएगा। आ तो रहा है वैसे बाई द वे, लेकिन बहुत बारीक है वो पिक्सल, ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन से बहुत ज़्यादा बारीक है वो पिक्सल। अच्छा, आई एम नॉट श्योर कि इसको भी पूरे 300 पे इन्होंने किया होगा कि नहीं किया होगा, क्योंकि ये भी एक रफ़ पैकेजिंग है, ये बहुत कोई हाई क्वालिटी पैकेजिंग नहीं है ये। तो अगेन प्रिंटिंग भी 300 से कहीं ज़्यादा रेजोल्यूशन पे भी की जा सकती है और कम पे भी की जा सकती है। जो हमारे पास वो फैंसी किस्म के मैगजीन्स होते हैं ना, जो फैशन मैगजीन्स होते हैं, वो बड़ी हाई क्वालिटी की प्रिंटिंग करते हैं आमतौर पर, ठीक है, फैशन मैगजीन्स होते हैं। उसके अलावा जो आपके वो कौन सा वाला होता है, जो ड्यूटी फ्री शॉप्स वगैरह के जो मैगजीन होते हैं, ठीक है, वो इस तरह के होते हैं ड्यूटी फ्री शॉप्स के मैगजीन। तो जब आप प्लेन वगैरह में ट्रैवल करते हैं ना, तो वो सामने उन्होंने जैसे जिस डेस्टिनेशन पे आप जा रहे हैं ना, तो उस डेस्टिनेशन के ये कैटलॉग्स वगैरह उधर पड़े होते हैं कि जी मिसाल के तौर पे जैसे आप अगर दुबई ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो आपको सामने जो पॉकेट होते हैं ना सीट के आगे, उसमें वो तीन चार इस तरह के कैटलॉग पड़े होते हैं। जैसे अभी देखेंगे गोल्ड वोल्ड का कोई सीन है ये, कि गोल्ड के कुछ चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, तो वो सारा लिखा होता है कि आप जब दुबई पहुँचे ना, जब उतरे उधर, तो वहाँ पे जो शॉप्स मौजूद हैं एयरपोर्ट के ऊपर, जो ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपको ना माइंड बन जाए आपका पहले ही कि अच्छा जी ये ले सकता हूँ मैं, ये ले सकता हूँ, कि बजाय इसके कि आप शॉप पे जाके वहाँ पे टाइम स्पेंड करें, ठीक है। इसी तरह फिर आप जब जो वहाँ से अगली डेस्टिनेशन पे जा रहे होते हैं, तो आपको वहाँ की शॉप्स का ये मिल जाता है। तो जो इस तरह के जो फैशन मैगजीन्स और ये ड्यूटी फ्री, क्योंकि ड्यूटी फ्री शॉप पे कोई भी चीज़ सस्ती नहीं होती उसका नाम सिर्फ ड्यूटी फ्री होता है, लेकिन वो अच्छी खासी एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। ये यूँ कह लें कि वो वैसे तो नॉर्मल रेट ही होते हैं एक्चुअली, लेकिन वो छोटी मोटी चीज़ कोई बेचते नहीं है उस पर। वो वॉचेस होंगी तो वो बहुत बड़े ब्रांड्स की होती हैं, क्योंकि जो ड्यूटी फ्री शॉप्स होती हैं वहाँ पे ज़ाहिर है कोई छोटा ब्रांड उस जगह पे शॉप अपनी खोल ही नहीं सकता। वो जगह ऐसी होती है और वो इतनी एक्सपेंसिव होती है कि वहाँ पे कोई छोटा ब्रांड आ ही नहीं सकता। इवन वहाँ पे जो जूस वूस की भी जो दुकानें होती हैं ना, तो वो भी पता नहीं 800 800 1000 1000 के वो जूसेस बेच रहे होते हैं। वही जूस जो फ्रेश जूस मुझे बाहर 200 का मिल जाता है, वहाँ पे मुझे 800 1000 1200 रेट देखने में आ रहा होता है, ठीक है। खैर उसको तो ड्यूटी फ्री नहीं कहते, ड्यूटी फ्री उसको कहते हैं कि जी जिस पे टैक्सेस वगैरह होते हैं, जैसे वो सिगरेट्स वगैरह पे बड़े टैक्स लगे हुए हैं हमारे यहाँ कि जी अगर आप कहीं से लेकर आते हैं तो उस पर बड़ा टैक्स लगता है। तो या जो गोल्ड वगैरह की चीज़ें हैं, जो वॉचेज़ हैं, जो लग्जरी आइटम्स हैं, जो मोबाइल फ़ोन्स वगैरह हैं, तो उन पे बड़ा टैक्स लगता है। तो अगर आपको वो ड्यूटी फ्री से मिल जाए तो ज़रा वो टैक्स की बचत हो जाती है। तो लेकिन वहाँ पे सिर्फ बड़े ब्रांड्स होते हैं, तो बड़े ब्रांड्स जितने भी होंगे जो फैशन के मैगजीन्स होते हैं, वो बड़ी हाई क्वालिटी की प्रिंटिंग करते हैं। तो जस्ट टू गिव यू अ रेफरेंस कि अगर कोई 300 डॉट्स या उससे ज़्यादा रेजोल्यूशन का अगर कोई प्रिंट होगा, तो वो दिखने में कैसा होता है, ठीक है, हाई रेजोल्यूशन जो प्रिंटिंग होती है। अच्छा, और यहाँ पे इन्होंने क्या बात की है, इन्होंने यहाँ पे ना एक एवरेज भी बताया है। इन्होंने एवरेज ये बताया है कि यार एक जेपीजी इमेज होगी जो 72 पिक्सल पर इंच पे अगर वो 300 KB की है, अगर सही है, तो वही इमेज जब 300 पे करेंगे ना, तो उसका साइज़ बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, साइज़ इस सेंस में बढ़ जाएगा कि अगर 1000 पिक्सल की इमेज है, तो 1000 पिक्सल तो 1000 पिक्सल है, उसका तो साइज़ फिक्स है, ठीक है। लेकिन ये उस हिसाब से नहीं बता रहा, ये जो साइज़ बता रहा है ये उस हिसाब से बता रहा है कि एक 72 पिक्सल पर इंच की फ़ोटो है और वो 4 इंच की फ़ोटो है, 4 इंच पे दिखने वाली है। तो अगर 72 PPI होगा तो 4 इंच में जो है वो 400 से कम पिक्सल होंगे, लेकिन अगर 300 DPI पे होगा और वो भी 4 इंच का दिखता है, तो उसमें क्या होगा, उसमें 4 8 1200 पिक्सल होंगे उसके अंदर, ठीक है। तो असल तो पिक्सल का जो साइज़ होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो पिक्सल में सेव होने वाली इमेज होती है, जो पिक्सल में सेव होने वाली इमेज होती है, वो एक्चुअली क्या होती है, वो ईच पिक्सल जो है ना, हर पिक्सल में आपको पता है 3 कलर्स होते हैं। अभी इंशाल्लाह CSS में भी हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ये जो तीन वाले को। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं इमेजिन करता हूँ एक बिल्कुल छोटी इमेज है जिसकी विड्थ 3 पिक्सल है और हाइट भी 3 पिक्सल है, 3x3 की इमेज है अगर, तो उसमें टोटल कितने पिक्सल हुए, 9 पिक्सल हुए उसमें। अच्छा, तो वो 9 पिक्सल जो है ना, उसमें से हर एक पिक्सल के अगेंस्ट कंप्यूटर को जो बात पता होती है, वो क्या पता होती है, 3 न्यूमेरिक डिजिट्स होते हैं, 3 न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं, रेड ब्लू और ग्रीन, ठीक है। अच्छा, रेड ब्लू ग्रीन है, रेड जो होगा वो 0 से 255 तक होता है, फिर ब्लू और ग्रीन, तो वो 3 एक्चुअली नंबर्स होते हैं जो हर एक पिक्सल के अगेंस्ट
डिवाइस जो मतलब जिसमें भी वो हार्ड ड्राइव में सेव है, तो वहाँ पे हर पिक्सल के अगेंस्ट वो तीन न्यूमेरिक वैल्यूज स्टोर होती हैं। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो 9 पिक्सल की इमेज है तो उसमें वो क्योंकि 9 पिक्सल हैं तो हर पिक्सल के अगेंस्ट तीन तीन वैल्यूज़ हैं, तो टोटल वो 27 न्यूमेरिक वैल्यूज़ स्टोर हैं वो। तो एक इमेज नहीं है वो, एक्चुअली वो 27 न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं। अच्छा, तो इससे हमें क्या पता लगा कि वो जितने पिक्सल बढ़ते जाएंगे वो तीन तीन न्यूमेरिक वैल्यू उसमें बढ़ती चली जाएगी। अब उसको कितने इंच पे दिखाना है वो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, कि उसको कितने पिक्सल पर इंच पे दिखाना है दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन साइज़ जो है वो एक्चुअली पिक्सल का है। तो यहाँ पे ये जो बात हो रही है ना कि अगर 1000 पिक्सल की इमेज है और ये भी 1000 पिक्सल की इमेज है, भले इसका DPI PPI अलग हो लेकिन उसका साइज़ सेम होगा, लेकिन ये जो बात कर रहा है वो इंचेस की बात कर रहा है, क्योंकि डिज़ाइनर है, डिज़ाइनर आमतौर पर ना इंचेस उनको ज़्यादा समझ आता है डिज़ाइनर्स को ना। वेल, अच्छा फिर यहाँ पे ये बात कह रहा है कि जी ड्यू टू द फैक्ट दैट कंप्यूटर डिस्प्ले आर कैप्ड एट रेजोल्यूशन ऑफ 72 पिक्सल यूजिंग इमेज ऑन द वेब हायर रेजोल्यूशन विल नॉट रिजल्ट इन अ बेटर इमेज क्वालिटी। अच्छा, कैप्ड का मतलब ये होता है कि उसको लिमिट किया गया है, ठीक है, बहुत सारी जगहों पे मे बी अभी तो नहीं किया जाता लिमिट शायद, लेकिन इस जब बुक लिखी जा रही थी तो उस वक्त शायद लिमिट किया जाता हो। अच्छा, अगेन एक चीज़ मैं और आपको बताता चलूँ, जैसे ब्राउज़र के ऊपर जो इमेज दिख रही है ना उसका तो कंट्रोल ब्राउज़र के हाथ में है, लेकिन नेटिवली जो इमेज दिख रही है, मिसाल के तौर पे जो मेरे पास इमेज व्यूअर है वो मुझे कितने पिक्सल पे दिखाता है ना, वो इमेज व्यूअर के हाथ में होता है, ठीक है। तो अगर मैं मेरे पास कोई ऐसा इमेज व्यूअर है स्पेसिफिकली जो मुझे एग्जैक्ट वही चीज़ दिखा देता है तो फिर मुझे वो बकायदा दिखेगा भी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि लेकिन इसको कैप किया जाता है आमतौर पर, कह रहे हाई रेजोल्यूशन करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उतना ही दिखेगा वो। अच्छा, तो हमने ये रेजोल्यूशन वाली बात ज़रा कर ली। अब ये वेक्टर इमेज क्या होता है, इस एक तो ये पिक्सल विक्सल की सारी स्टोरी समझ आ गई है हमें कि ये पिक्सल की क्या कहानी है, DPI क्या होता है, PPI क्या होता है, ये टेक्निकलिटीज़ हमने थोड़ी सी देख ली। वेक्टर इमेज में ना ये वाले सीन नहीं है, वेक्टर इमेज में पिक्सल होते ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, पिक्सल नहीं होते लिहाजा तो उसका ये वाला सीन भी नहीं है कि जी पिक्सल ज़्यादा होगा तो साइज़ ज़्यादा होगा, पिक्सल कम होंगे तो, ठीक है, इसका पिक्सल जितना भी हो इसका साइज़ का उससे ताल्लुक नहीं है। अच्छा, क्या यहाँ पर ये बात कह रहे हैं, वेक्टर इमेजेस आर डिफरेंट फ्रॉम बिट मैप इमेजेस। अच्छा, ये बिट मैप इमेज भी कहते हैं इसको, या इसको रास्टर इमेज भी कहते हैं, ठीक है। वेक्टर के अपोजिट जो आमतौर पर वर्ड यूज़ किया जाता है वो रास्टर इमेज किया जाता है, और बिट मैप और रास्टर एक ही चीज़ है एक्चुअली। एंड आर रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट, कह रहे हैं कि ये ना रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट है, जैसे इसमें 72 PPI था, इसमें नहीं होता वो, क्योंकि इसमें पिक्सल नहीं है, तो फिर वो बस इसमें ये कि कितने इंच पर डिस्प्ले कराना है, दैट्स इट। वेक्टर इमेजेस आर कॉमनली क्रिएटेड इन प्रोग्राम सच एज अडोबी इलस्ट्रेटर या कॉरल ड्रॉ एक होता था पहले, उस पर भी जो इमेजेस वो भी वेक्टर सॉफ्टवेयर था। जितने भी ये जो ग्राफिक प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स है ना, जिसमें फोटोशॉप शामिल है, जिसमें इलस्ट्रेटर शामिल है, इसकी टाइप्स दोनों की अलग होती है ना, जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर पिक्सल वाली इमेजेस को प्रोसेस किया जाता है वो कहता है रास्टर इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर आप उसको कह लें, और एक वेक्टर इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर या जो इलस्ट्रेटर और कॉरल ड्रॉ है, ठीक है। तो मतलब ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, आप फोटोशॉप के ऊपर वेक्टर इमेजेस के साथ उसको नहीं हैंडल कर सकते ना, उसके लिए आपको ये इलस्ट्रेटर वाला सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप किसी वेक्टर इमेज को फोटोशॉप पर डालते हैं तो वो उसको कन्वर्ट कर देता है, उस पिक्सल में बना देता है उसको, ठीक है। तो लिहाजा जो इस पर बनी हुई है ना, अच्छा इसके फॉर्मेट भी बिल्कुल अलग होते हैं, यानी JPG PNG और GIF जो अभी तक हमने फॉर्मेट देखा है वो फॉर्मेट वो सारे रास्टर वाले फॉर्मेट हैं। अच्छा, जो वेक्टर वाला फॉर्मेट होगा उसके लिए हमारे पास जो वेब में इस्तेमाल होता है वो SVG इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो SVG इमेज है, तो SVG इमेज को अगर मैं फोटोशॉप पे उसको एडिट करने की कोशिश करता हूँ तो उसको शायद कन्वर्ट वगैरह कर देगा, लेकिन SVG इमेज के लिए जो सही एडिटिंग सॉफ्टवेयर वो इलस्ट्रेटर है। अच्छा, अब ये क्या चक्कर है भाई, जब पिक्सल नहीं है तो इमेज बन कैसे रही है, जैसे दोस्त ने कहा था कि कोई मैथमेटिकल इक्वेशन है। अच्छा, तो वो मैथमेटिकल इक्वेशन जो है ना वो क्या है कि ये कह रहा है कि व्हेन एन इमेज इज अ लाइन ड्राइंग सच एज लोगो इलस्ट्रेशन और डायग्राम डिजाइनर्स विल ऑफन क्रिएट इन वेक्टर फॉर्मेट। कह रहा है कि जब कोई ऐसी चीज़ होती है ना कि कोई लाइंस वगैरह होती हैं या कोई लोगो वगैरह होता है जिसमें देर आर नॉट मैनी कलर्स, ठीक है, एक तो फोटोग्राफ होती है कैमरे वाली, उसमें मैनी कलर्स होते हैं, उसने कहा इलस्ट्रेशन लोगो डायग्राम वगैरह जो है ना इसके अंदर क्या कर लेते हैं, ये डिज़ाइनर प्रेफर करते हैं कि ये वाला बनाते हैं। अच्छा, अब वेक्टर फॉर्मेटेड इमेज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम बिट मैप।
अब ये बहुत डिफरेंट है, अब ये है क्या? वेक्टर इमेजेस आर क्रिएटेड बाय प्लेसिंग पॉइंट्स ऑन अ ग्रिड एंड ड्राइंग लाइंस बिटवीन दोज पॉइंट्स. अच्छा, आप एक ना इमेजिन करें कि ग्राफ पेपर है, इमेजिन करें आप कि ग्राफ पेपर है, ये ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ हुई हुई इमेज. अच्छा, ग्राफ पेपर पे अगर मुझे एक बनाना है स्क्वायर, ग्राफ पेपर के ऊपर अगर मुझे एक स्क्वायर बनाना है तो मैं क्या करता हूँ, मिसाल के तौर पे ये मेरा पॉइंट है 0 0. सब लोगों को ग्राफ पेपर आइडिया ना क्या होता है, अगर मैं दिखा पाऊँ तो ठीक है. ग्राफ पेपर कुछ इस तरह की चीज़ होती है जिसमें स्क्वायर स्क्वायर डब्बे बने होते हैं, जिससे आपको क्या मिल जाता है, थोड़ा सा रेफरेंस मिल जाता है. ठीक है, ये एक स्क्वायर ग्राफ पेपर है. अच्छा, इसके ऊपर अगर मुझे बनाना है एक अदद रेक्टेंगल बनाना है, ठीक है, ये एक अदद मुझे ट्राइंगल बनाना है, तो ट्राइंगल पे मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ से एक लाइन उठाता हूँ 0 by 0 से, और मैं ये उठाते हुए लेके जाता हूँ या सीधा लेके जाता हूँ, और इसको यहाँ तक ले जाके टच कर देता हूँ. ये वाला जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है, ये 100 by 100 का पॉइंट है ना. इसमें कितने डब्बे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हाँ, तो अच्छा ये 10 by 10 है. ये एक्स और वाई में हम कर रहे होते हैं ना, ग्राफ पेपर एक्स वाई में होता है. तो अगर मैं ऐसे यूँ 10 और यूँ 10 अगर मैं जाऊँ तो ये पॉइंट मुझे मिल जाएगा. तो मैंने कहा यार एक डॉट उठाओ 0 by 0 से और 10 by 10 तक लेके चले जाओ, ये हो गया. अच्छा, फिर मैंने कहा एक डॉट और उठाओ यहाँ से और यहाँ तक लेके चलो, ये कौन सा पॉइंट बनता है, ये 20 by 0 बनता है. यानी ऐसे ये 20 है, पहला एक्स होता है ना, ये 20 है और हाइट में 0 है ये, तो 20 by 0 कर दिया. अच्छा, फिर मैंने कहा 20 by 0 से एक तीसरा पॉइंट उठाओ और लेके कहाँ आ जाओ, वापस 0 by 0 पे लेकर आ जाओ. तो वो एक्चुअली इस तरह से उस इमेज को ड्रॉ किया जा रहा होता है. अच्छा, अब ये रेक्टेंगल है, एक्चुअली ये तीन पॉइंट्स हैं और इन तीन पॉइंट के दरमियान में वो लाइन है. अब ये तीन पॉइंट को दूर करते जाओ या करीब करते जाओ, लाइन तो लाइन है. ठीक है. अच्छा, जब इस इमेज को मुझे बड़ा करना होता है ना, जब इस इमेज को मुझे बड़ा करना होता है या मैं इसको जूम इन करता हूँ, तो एक्चुअली क्या होता है, अगर इसको अभी मेरी स्क्रीन पे ये इतना बड़ा दिख रहा है, ठीक है, अगर मुझे स्क्रीन पे इसको इतना बड़ा दिखाना है, इतना बड़ा अगर, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं सिंपली ये करूँगा या जो भी सॉफ्टवेयर है वो ये करेगा कि उसको ये 10 by 10 की बजाय ना, उसको अब उसको कहाँ ले जाएगा, 20 by 20 पे ले जाएगा. जब 20 by 20 पे लेके जाएगा तो ऑटोमेटिकली बाकी का भी रेशो बढ़ जाएगा. लिहाजा क्या होता है, उसको भी जितना भी जूम इन जितना भी जूम आउट करूँ उसमें वो पिक्सेलेट नहीं होता वो, क्योंकि एंगल्स में और आर्क्स में, अभी वो भी इन्होंने आगे वर्ड यूज़ किया हुआ है ना. अच्छा, तो दोबारा अभी ये वाली लाइन हम पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि वेक्टर इमेजेस आर क्रिएटेड बाय प्लेसिंग पॉइंट्स ऑन अ ग्रिड एंड ड्राइंग लाइंस बिटवीन दोज पॉइंट्स. बस वो पॉइंट्स बना लेते हैं और उसके दरमियान में वो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और उसको वो रेशो में उसको स्टोर करता है. वो ये नहीं कि दो डॉट कितने इंच दूर हैं, ये नहीं करता वो, वो उसको रेशो बनाता है कि कितने रेशो पे ये दूर हैं एक दूसरे से. एंड कलर कैन बी एडेड फिल इन द लाइंस बिटवीन आई हैव क्रिएट. अच्छा, वो जो लाइंस के दरमियान में जो वो जगह स्पेस ज़ाहिर बन जाता है तो उसमें कलर भी फिल किया जा सकता है. तो वो कलर जो फिल है ना, वो इस तरह से नहीं स्टोर किया हुआ उसने कि पिक्सल में, उसने बोला कि अच्छा इन चार लाइनों के जो बीच में स्पेस बनता है उसमें ये कलर फिल कर दो, तो इस तरह से उसको स्टोर किया हुआ होता है. अच्छा, लिहाजा हमें क्या पता लगा इसमें अब कि एक वेक्टर इमेज में जितने ज़्यादा एंगल्स होंगे या जितनी ज़्यादा वो लाइनें होंगी उसका साइज़ उतना ज़्यादा होगा. ठीक है, एक वेक्टर इमेज में. अच्छा, ये एक वेक्टर इमेज मेरे सामने देखो बनी हुई है, इसमें इन्होंने एक्चुअल में उसको डिस्प्ले करके दिखाया हुआ है उस पॉइंट्स को कि वो पॉइंट किस तरह से स्टोर हुए हैं इसके अंदर ना. अच्छा, आप नोट करें कि इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं वो, ये जो ब्लैक ब्लैक वाला पार्ट है ना, सिर्फ इसके अंदर ये पॉइंट्स हैं, और जो वाइट वाला पार्ट है चाहे वो इधर हो या चाहे वो इधर हो, उसमें कोई डेटा नहीं है एक्चुअली, वो ब्लैंक है और ट्रांसपेरेंट है वो. अच्छा, ऑन अदर एंड अगर इसकी बजाय मैं, अगर ये पांडा के बजाय मैं एक दूसरी इमेज यहाँ पर ड्रॉ करता जो कि काइंड ऑफ कुछ ठीक है, अगर कोई इस तरह की जो ड्राइंग होती है अगर, तो ये वाली ड्राइंग एसवीजी के अंदर या वेक्टर इमेज के अंदर निस्बतन इसका जो साइज़ है वो ज़्यादा होता. क्यों ज़्यादा होता, क्योंकि इसके अंदर वो लाइनें ज़्यादा हैं, लाइनों की तादाद इसके अंदर जो है वो ज़्यादा है.
ठीक है। एस वी जी में एक और मैं डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये वाली जो इमेज है इसके अंदर नस्बतन क्या है, लाइंस ज़्यादा हैं। अच्छा, लेकिन स्टिल ये वाली इमेज अप्रोप्रिएट किसके लिए है, एस वी जी के लिए ही अप्रोप्रिएट है। अच्छा, अब मैं एक और आपके सामने खोलता हूँ, अच्छा जी, ये वाला जो लोगो है, ये वाला लोगो, इसका साइज क्या उससे ज्यादा होगा? ये नीचे पेप्सी जो लिखा हुआ उसको छोड़ दो, सिर्फ इतना पार्ट जो ऊपर वाला जो है, अगर ये मैं बनाता हूँ एसवीजी में या वेक्टर में, तो इसका साइज क्या ज्यादा होना चाहिए उस पांडा वाले से या कम होना चाहिए, या वो कार जो भी मैंने दिखाई है, कार जो मैन विद कार दिखाया है, उससे ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? अच्छा, ये जो इमेज है ना, ये वेक्टर के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, ये वाली जो इमेज है ये वेक्टर के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, लिहाजा इस वाली इमेज को ख़त्म करके अब इन्होंने क्या कर दिया है, अब इन्होंने ऐसा ये प्लेन फॉर्मेट बना दिया है, इसको हम कहते हैं फ्लैट कलर्स। जितने भी इस वक्त जो ग्राफिक्स आपको नज़र आ रहे हैं ना मोबाइल फ़ोन के अंदर, जो मेन्यू में आपके जो लोगो बना हुआ है, जो मेन्यू आइटम्स है ना, कैमरा है और गैलरी और फ़ोन है, उसके जो लोगो हैं, आज से कुछ अरसे पहले तक आप देखेंगे ना अगर, ठीक है, कुछ अरसे पहले तक आप देखेंगे तो उसमें किस तरह का होता था, वो ज़रा 3D टाइप का होता था, कुछ इस तरह के, भाई कुछ हाई रेजोल्यूशन पिक्चर ही दिख जाए, ये देख रहे हो, कुछ इस तरह की इमेजेस होती थी, है ना, ये ज़रा इसमें 3D शेड आ रहा होता था, शाइनिंग आ रही होती थी, एक मतलब कलर्स भी देखो ना इसके अंदर, वो ज़रा वो एस्प्रे टाइप का एक कलर है, ठीक है, हाँ, ग्रेडियंट इसमें दिख रहा है, वो एक क्या इसको कहते हैं, स्प्लैशी एक टाइप का, ऐसे रोशनी सी यूँ जा रही है, सूरज के ऊपर बनाते हैं ना जैसे हम किरणें, तो वो सूरज की किरणें टाइप का एक कुछ बना हुआ है इसके ऊपर। तो इस तरह की जो इमेज है ना, वो एसवीजी के लिए या वेक्टर फॉर्मेट के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। अच्छा, लिहाजा अब इन्होंने क्या कर दिया, लिहाजा अब जो इनके पास जो मेन्यू आइटम्स है ना, वो आप देखें किस तरह के हैं, वो फ्लैट हैं, मोस्टली वो फ्लैट हैं, ठीक है। इसमें हल्का सा ग्रेडियंट देखने में मिल रहा है, लेकिन वो ग्रेड इतना ग्रेडियंट ऐड कर दूं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मोस्टली ये क्या है, फ्लैट है। इसमें मैं इसको लिखता हूँ iOS 17 मेन्यू, तो शायद ज़्यादा अप्रोप्रिएट मुझे रिजल्ट दिखेगा। नहीं दिखा पा रहा है मुझे ये, ठीक है। ये आप देखें इस मेन्यू आइटम्स में ना मोस्टली जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, वो फ्लैट कलर्स इस्तेमाल किए गए हैं, वो ग्रेडियंट्स वगैरह वो सारी चीज़ें ना इन्होंने ज़रा सा क्या कर दी हैं, ख़त्म कर दी हैं। उसका मेन रीज़न क्या है, ताकि ज़ाहिर है किसी भी डिवाइस में जो स्क्रीन पे जो चीज़ें दिख रही होती हैं वो एक्चुअली इमेजेस होती हैं, ठीक है। जो भी मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है, चाहे वो कोई वेबसाइट हो, चाहे वो फ़ोन का इटसेल्फ मेन्यू हो, तो वो क्या होता है, वो एक्चुअली इमेजेस होती हैं जिसको वहाँ पर डिस्प्ले किया गया होता है, और उस इमेज का बकायदा एक साइज़ होता है, ठीक है। यही वजह है कि आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस में या अपने iOS डिवाइस में आप जाते हैं जब, तो स्टोरेज का एक बड़ा हिस्सा ऑपरेटिंग सिस्टम ने कैप्चर किया हुआ होता है, तो वो जैसे विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो 15-20 GB तक वो फ़ौरन ले लेता है, उसी वक्त जैसे इंस्टॉलेशन होती है तो सी ड्राइव में वो 15-20 GB स्टोर कर लेता है जगह। तो वो क्या है, वो सारा वो यही चीज़ें होती हैं ना, एसेट्स होते हैं सारे, वो सारे प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, जो स्क्रीन सेवर के ऊपर जो इमेज लगी हुई वो एक्चुअली दैट इज़ अ इमेज जो अंदर कहीं ना कहीं स्टोर है। तो फाइल का साइज़ रिड्यूस करने के लिए और डिफरेंट डिस्प्ले पे जब उसको बड़ा छोटा करना पड़ता है ना, उससे बचने के लिए इन्होंने सारा ही एसवीजी पे कन्वर्ट किया, वेक्टर पे कन्वर्ट किया, ठीक है। तो ये वाला जो आइटम है ना, ये वाला, दिस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर एसवीजी, इसका साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसमें आप देखें ये छोटे छोटे डॉट्स हैं ना, ये सारे इसके ऊपर एंगल्स बनेंगे और सारे बन तो जाएगी ये इमेज, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा साइज़ बढ़ जाएगा उसका, ठीक है। फिर अच्छा, और सिर्फ इस चीज़ के लिए कि जूम इन जूम आउट करने से ब्रेक ना हो, फटे ना, तो उसके लिए फिर ये मुनासिब नहीं होगा, ठीक है। बेहतर यही होगा कि इसको मैं पिक्सल वाले साइज़ पे बनाकर, और अच्छा फिर अगर पिक्सल वाले पे होता तो फिर क्या होता, इसका क्या हल होता? एक तो वेक्टर है ना, वेक्टर में तो एक ही इमेज होगी, बड़ा दिखा दो छोटा दिखा दो, अगर पिक्सल वाले में होता तो क्या करते हम, अलग अलग रेजोल्यूशन की अलग अलग फाइलें तैयार होती हैं, ठीक है, कि जी मेन्यू में जो छोटा करके दिखाना है उसकी अलग फाइल, जो बड़ा दिखाना है उसकी अलग फाइल, जो उससे बड़ा दिखाना है उसकी अलग फाइल, ठीक है। एक ही लोगो
एक वेबसाइट के अंदर अलग अलग साइजेस में पड़ा हुआ होता है, अगर पिक्सल वाला है तो। अगर तो एसवीजी है फिर अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, फिर एक ही होगा, उसको जिस साइज़ में ज़्यादा दिखाना है वहाँ दिखा दो, ठीक है। तो ये हमने बात समझ ली। अच्छा वापस आ जाते हैं अब इधर। अच्छा ये कह रहा है कि वेब के अंदर ना एक स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक एसवीजी एक फॉर्मेट है जो कि हमारे पास यहाँ पे होता है। अच्छा मैं अगर आता हूँ यहाँ पे और मैं क्या बोल देता हूँ कि यार GitHub logo svg एंटर, ठीक है, तो ये मेरे पास ना ये svg फॉर्मेट आ गया, सही है। अच्छा svg इसको मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके इसको मैं ओपन इमेज इन न्यू टैब करूँगा, नहीं ये तो png है, ये सही है, ये svg नहीं है, ये png इमेज है। अच्छा svg मुझे कहाँ से मिलेगा, मैं एक काम करता हूँ, मैं गिटहब नहीं लिखता हूँ, मैं बस svg लोगो लिख देता हूँ, कि कोई सा भी लोगो जो svg फॉर्मेट में हो वो मेरे पास आ जाए। अच्छा एप्पल का लोगो आ गया भाई, ठीक है। अच्छा ये आप लोगो देख रहे हो, ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट है इसके लिए, बिल्कुल फ्लैट कलर है और बहुत ज़्यादा नहीं है, बस बिल्कुल सिंपल सा ये। अच्छा ओपन इमेज इन न्यू टैब, अच्छा ये svg है, ये आप देखें नाम में लास्ट में svg आ रहा है। इसको मैं कंट्रोल एस करके क्या कर देता हूँ, कंट्रोल एस करके सेव कर देता हूँ, ये डाउनलोड्स में जाकर सेव हो रहा है, और मैं डाउनलोड्स में से जाके इसको क्या करता हूँ, फिर उठाता हूँ और डाउनलोड्स में से इसको उठा के मैं अपने उधर ले आता हूँ, ठीक है, अपने इसको इमेजेस के फोल्डर में लाके छोड़ देता हूँ। अच्छा जैसे ही मैंने इस इमेज को यहाँ पे छोड़ा है लाके, ठीक है, वैसे तो अगर मैं जो दूसरे वाले जो हैं ये, जैसे ये banner.jpg है, इसको मैं खोलता हूँ तो ये इस तरह दिखता है, लेकिन जैसे ही मैं इस एप्पल लोगो डॉट svg को खोलता हूँ तो ये मुझे कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। इसमें ये पाथ सेव हुआ हुआ है, तो इसमें दो ही पाथ हैं एक्चुअली, एक ये पाथ है और एक ये पाथ है। ये दोनों पाथ कौन से वाले पाथ हैं, ये अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा पाऊँ, एक ये ऊपर वाला शेप है, एक ये नीचे वाला शेप है, दैट्स इट, सही है। तो बाकायदा हमें वो दिख भी रहा है यहाँ पे, जो मैंने बताया था ना ग्राफ पेपर पे वो ड्रॉ कर रहे होते हैं, तो बाकायदा मुझे दिख रहा भी है यहाँ पे। तो अब इसके अंदर क्या होगा कि ये पाथ जितना ज़्यादा होगा इसका साइज़ उतना ज़्यादा होगा, इसमें वो पिक्सल वाला चक्कर नहीं है, पिक्सल वाली इमेज में कि जितना पिक्सल होगा उस हिसाब से साइज़ होगा, ठीक है। और ये इन्होंने पता नहीं जी क्या लगाया है, वेल अच्छा इसको मैं करता हूँ बंद और इसको हम डिस्प्ले करवा के देख लेते हैं कि ये डिस्प्ले होने में कैसा शो होता है। मैंने कहा .img और एप्पल लोगो .svg। अच्छा अभी मैंने इसका कोई साइज़ वगैरह डिक्लेयर नहीं किया कि कितने साइज़ पे इसको डिस्प्ले करना है, तो देख लेते हैं कि ये बाई डिफ़ॉल्ट इसको कितने साइज़ पर डिस्प्ले करता है, ठीक है। रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं इसको, और मेरे पास यहाँ पे बाई डिफ़ॉल्ट इसने इतना साइज़ डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। फुल स्क्रीन नहीं एक्चुअली इसकी, इसमें भी शायद वो लिखा हुआ होगा इसने ना कि कितने पे डिस्प्ले करना है। अच्छा इसका साइज़ जो है ना 1KB है, ठीक है, इसका साइज़ 1KB। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, इसने अपनी मर्ज़ी से डिस्प्ले तो कर दिया, अच्छा यहाँ पे से आके अब मैं विड्थ इसको कह देता हूँ कि यार आप हो जाओ ना, आप हो जाओ 600 पिक्सल के हो जाओ आप, ठीक है, यानी 600 पिक्सल पे आप नज़र आना शुरू हो जाओ। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, इसको ये क्या चक्कर है, पहले ये कितने पे हुआ हुआ था डिस्प्ले, एक काम करता हूँ मैं ऊपर वाली इमेजेस को ज़रा थोड़ी देर के लिए रोक देता हूँ ताकि मुझे सिर्फ ये एक दिखे, सही है। ये क्या चक्कर है यार, राइट क्लिक करके ज़रा इसको देख लेते हैं कि ये क्यों नहीं हो रहा। ओके एक्चुअली मैंने अपनी स्क्रीन को ना जूम इन बहुत ज़्यादा किया हुआ था तो इसलिए मुझे वो पता नहीं लग रहा था, ठीक है। तो ये सही हुआ है, 600 पिक्सल पे सही हुआ है। अच्छा मैं क्या कर देता हूँ अब आके यहाँ पे कह देता हूँ कि यार आप हो जाओ अब 200 पे डिस्प्ले हो जाओ, ठीक है, तो 200 पे हो गया। अब मैं इसको कहता हूँ यार 1440 पे हो जाओ, सही है। अच्छा इसमें पिक्सल नहीं भी लिखो ना तो उसको पिक्सल ही कंसिडर करता है ये, ठीक है, तो ये 1440 पे हो गया। थोड़ा सा स्क्रॉल भी आ गया मेरी स्क्रीन पे, आप नोट कर रहे हैं। अच्छा लेकिन आपने नोट किया, इसको मैं अगर वैसे कंट्रोल प्लस करके जूम इन करूँ तो भी ये ब्रेक नहीं होता है, और इसको अगर मैं साइज़ बढ़ा के करूँ तो भी ये ब्रेक नहीं होता, ठीक है। ये मैं अपनी स्क्रीन को जूम करता हूँ तो फिर हो जाता है, क्योंकि मेरी स्क्रीन तो वेक्टर पे नहीं है ना, मेरी स्क्रीन तो रास्टर है, लेकिन अगर मैं वैसे इसको अगर जूम इन करता चला जाऊँ तो आप देखें ये स्टिल शार्प है, ये इसमें कोई पिक्सलेट वाला कोई माल नहीं है,
बस ये वो लाइन है जो जिस तरह बनी है ये उसी तरह है, उन्होंने बनाने में ये मिस्टेक की है, तो ये बनते हुए जो मिस्टेक हुई थी वो थोड़ा सा फ्लैट है, उसके बाद वो मूव होना शुरू हुई है, ठीक है। तो इसको ये बिल्कुल इतना इतनी बड़ी हो गई है ये इमेज, लेकिन ये ब्रेक नहीं हो रही है, ये इस वजह से ब्रेक नहीं हो रही है कि ये वेक्टर इमेज है मेरे पास ये, ठीक है। तो इसमें से मैं क्या कर देता हूँ, विड्थ को हटा देता हूँ, तो अगेन क्या हो जाएगी ये, अच्छा बाय डिफ़ॉल्ट इसको ये इतना बड़ा डिस्प्ले मिल रहा है, ठीक है। अच्छा अब इसको ये कैसे पता लग रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट कितना बड़ा डिस्प्ले करना है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, कि इसको बाय डिफ़ॉल्ट 500 के अराउंड पिक्सल पे ये डिस्प्ले कर रहा है, बट आई एम नॉट श्योर कि बाय डिफ़ॉल्ट वो उतने पे क्यों कर रहा है, क्योंकि इटसेल्फ इसका कोई साइज़ है ही नहीं, इसको मैं जितना भी छोटा करूँ जितना भी बड़ा करूँ ये वो ग्राफ है, वो ऐसे खींचता रहेगा और वो दबता रहेगा। अच्छा अब हम ब्रीफली ज़रा ये देख लेते हैं एनिमेटेड जिफ, हमारे पास हैं अभी 5 मिनट। अच्छा एनिमेटेड जिफ क्या होता है, वो असल में क्या होती है, वो जेपीजी इमेज जैसी ही चीज़ होती है, लेकिन उसमें स्लाइड्स होती हैं, आर्ट इन्होंने स्लाइड यहाँ पे बनाकर दिखाई है, और वो क्या होता है, वो एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन बाद वो चेंज हो रही होती है, और आप जैसे फोटोशॉप जैसा सॉफ्टवेयर जो है उस पर इस तरह की आप एनिमेटेड जिफ बना सकते हैं, और भी छोटे छोटे ऑनलाइन टूल्स आपके पास अवेलेबल हैं कि आप एक ही पिक्चर के ना, जैसे मिसाल के तौर पर आपने अगर कोई एनिमेटेड जिफ बनानी है ख़ुद की, तो आप क्या करेंगे, ऐसे हाथ पे आपने किया एक फ़ोटो, आपने ऐसे ली, फिर ऐसे हाथ किया आपने एक फ़ोटो ऐसे ली, फिर ऐसे हाथ किया आपने एक फ़ोटो ऐसे ली, ठीक है। तो अच्छा और ये तीन पिक्चर हो गई, इसको तीनों को आप स्लाइडों में लगा दें, तो जब ये स्लाइड चलेगी तो आपका हाथ ऐसे ऐसे होता हुआ फील होगा, ठीक है, हाथ ऐसे ऐसे मूव करता हुआ, तो वो टाटा करते हुए आप दिखेंगे उस एनिमेटेड जिफ में। तो ये आप ख़ुद भी बना सकते हैं, हमारे पास ऑनलाइन टूल्स इस तरह के मौजूद हैं जिससे आप ये बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो इन्होंने स्लाइड दिखाई है ना, आर्ट ये इमेजेस सामने आपको दिख रही हैं, ये एक लोडर है, ये जिफ के अंदर एक लोडर है, ये जो क्या होता है कि एक से दूसरे पे जाता है ना और दूसरे से तीसरे पे जाता है, तो ये आपको चलता हुआ लगता है कि ये घूम रहा है, लोडर गोल गोल घूमता हुआ आपको फील होता है, ठीक है। अच्छा अब ये बात है कि यहाँ पे और कर रहा है कि कौन से वाले पे ना मुझे लगाना चाहिए जिफ और पी एन, क्योंकि जिफ और पी एन जी दोनों में ट्रांसपेरेंसी अवेलेबल होती है, ट्रांसपेरेंट होता है दोनों का बैकग्राउंड, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा ये बात की है कि जिफ इमेज आप उस सूरत में लगाएंगे कि इफ़ द ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द इमेज है स्ट्रेट एजेस एंड इज 100% ट्रांसपेरेंट, कि क्या होगा कि जब ये आपके जो ट्रांसपेरेंट, क्योंकि देखो इमेज होती तो स्क्वायर है ना, ये भले इसका ये है जो भी, लेकिन इमेज होती स्क्वायर है। अगर मैं इस पिक्सल एप्पल पे भी आके करूँगा ना, हाथ टच करूँगा मैं इसको, मैंने इंस्पेक्शन की इसकी, और इंस्पेक्शन करके जब मैं इसको ऐसे टच करूँगा तो देखो इमेज ये स्क्वायर है, बावजूद इसके कि ये इसका बैकग्राउंड ये वाला पार्ट ट्रांसपेरेंट है ना, लेकिन इमेज जितनी भी होती है चाहे वो वेक्टर हो चाहे वो जो भी हो, होती वो स्क्वायर है, ठीक है। तो अब इस स्क्वायर के अंदर जो उसका ट्रांसपेरेंट पार्ट है, जो अब इस एप्पल वाले के अंदर जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है वो स्ट्रेट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहा है कि यार इफ़ द ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द इमेज हैज स्ट्रेट एजेस, जैसे कि ये स्ट्रेट एजेस, या तो वर्टिकल या तो हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल स्ट्रेट एजेस हैं इसके, एंड ट्रांसपेरेंट जो वो 100% हो, जैसे एप्पल का भी हमारा जो लोगो है वो 100% ट्रांसपेरेंट है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा दिखाता है और थोड़ा रोकता है, मतलब हल्का फुल्का ट्रांसपेरेंट नहीं है वो, पूरा 100% ट्रांसपेरेंट है। तो इसके लिए ना जिफ का फॉर्मेट सही है। अच्छा फिर कह रहे हैं कि यार इफ़ द ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द इमेज हैज डायगोनल और राउंडेड एजेस, अगर डायगोनल हो या राउंडेड हो, अब इन दोनों की एग्जांपल यहाँ दिखाइए, देखो ये डायगोनल है और ये है राउंडेड, अगर मेरी जो इमेज है उसमें जो एजेस हैं ट्रांसपेरेंट पार्ट जो है इसका, अगर वो या तो डायगोनल हो या तो वो राउंडेड हो, ठीक है। अच्छा और अगर वो सेमाई ओपैक हो, जैसे कि ये तीसरी एग्जांपल है, ये सेमाई ओपैक, ये पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं आधा ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। अच्छा और ड्रॉप शेडो हो उसके अंदर, अगर सही है इनमें से कोई एक भी चीज़ हो गई अगर ये चारों में से, तो फिर मैं उसको जिफ नहीं करूँगा, फिर मैं उसको पीएनजी करूँगा। अच्छा इसका भी हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम ज़रा कम है, लेकिन आप इसको करके देखिएगा खुद से ही, जो इमेज होगी ना ऐसी जो डायगोनल वाली होगी वो पीएनजी में उसका साइज़ अच्छा बनेगा, जैसे हमने जेपीजी में करके देखा था कि एक इमेज जेपीजी में थी उसको, और उस वो जेपीजी के लिए अप्रोप्रिएट थी, वो फोटोग्राफ थी, उसको मैंने पीएनजी में कन्वर्ट किया तो उसका साइज़ 10 गुना बढ़ गया था बिला वजह। तो इसी तरह इसमें भी होगा कि जी अब एक जो ट्रांसपेरेंट इमेज है उसको तो होना चाहिए पीएनजी में, लेकिन अगर
उसके स्ट्रेट एजेस हैं उसको मैं जिफ में सेव करूँगा ना, उसका साइज़ मज़ीद कम हो जाएगा और इमेज वो बिल्कुल सही दिखेगी, ठीक है। तो लिहाजा मैं क्या करूँगा, स्ट्रेट एजेस को जिफ में करूँगा। अच्छा, अगर स्ट्रेट एजेस वाला है उसको मैं जिफ में नहीं करता, डायगोनल में करता हूँ, वो पेंजी में करता हूँ, तो शायद उसका साइज़ उतना कम नहीं होगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर कोई राउंडेड कॉर्नर वाला है उसको अगर मैं गलती से जिफ में कर देता हूँ तो उसका साइज़ बढ़ जाएगा बिला वजह, वो इसके लिए अप्रोप्रिएट है। तो ये हमें पता लग गया कि कहाँ जिफ लगानी है, कहाँ पे पीएनजी लगानी है। दोनों अलग है, देखने में एक जैसी है, दोनों में ट्रांसपेरेंसी होती है। लोगो लिखो, जैसे हम गिटहब वगैरह का लोगो अभी लिखेंगे ना तो वो दोनों में आ जाएगा, लेकिन हमारे लिए कौन सा अप्रोप्रिएट है वो यहाँ पे इसने बता दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसने एक और टैग बताया फिगर कैप्शन का, जो कि HTML5 में इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो हम जो इमेजेस लगाएंगे ना वो कोशिश करेंगे हम फिगर कैप्शन करके उसको इस्तेमाल करें, सिर्फ इमेज ना लगाएं, ठीक है। फिगर कैप्शन ये होता है कि जी कोई आर्टिकल लिखा है ना आपने, आपने अखबारों में होता है ना कि एक बड़ा सा आर्टिकल है मैगजीन के अंदर, उसमें बीच में फोटो है और उस फोटो के नीचे एक लाइन लिखी हुई होती है, तो ये वो एक्चुअली वो चीज़ होगी। तो उस तरह की सिचुएशन जहाँ पे आएगी तो हम ये वाला इस्तेमाल करेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि इमेज लगा दी उसके नीचे एक पैराग्राफ लगा दिया, एक लाइन वाला पैराग्राफ भी तो लगाया जा सकता है ना, लेकिन मैं वो नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, ये वाला करूँगा। अच्छा, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि इसके सिमेंटिक मीनिंग्स हैं, इसके सिमेंटिक मीनिंग्स हैं कि नीचे जो ये फिगर कैप्शन जो लिखा हुआ है ना, ये असल में इस इमेज के मुतालिक कुछ लिखा हुआ है, तो इसकी सिमेंटिक मीनिंग है। इसको जो हमारा क्रॉलर आएगा या जो स्क्रीन रीडर्स आएंगे उनको हेल्प मिलती है इससे, कि उनको पता लग जाता है अच्छा इस इमेज के बारे में ये एक लाइन लिखी हुई है, ठीक है। अगर मैं उसको पैराग्राफ बना देता हूँ, एक इमेज लिखता हूँ और उसके नीचे एक लाइन का सिंगल लाइनर पैराग्राफ अगर बना देता हूँ तो उसका कोई रिलेशन आपस में नहीं बना, ठीक है ना। वैसे तो वो पैराग्राफ है, लेकिन एक क्रॉलर जब आएगा ना वो उसको कोड की शक्ल में देख रहा है तो वो देखेगा अच्छा एक इमेज है एक पैराग्राफ है, दो अलग अलग चीज़ें, उसको रिलेट नहीं कर पाएगा वो। तो ये HTML5 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, इसके सेमेंटिक मीनिंग्स की वजह से हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने इसके बारे में कुछ डिटेल्स लिखी हैं, ये डिटेल्स आप इसको पढ़ लीजिएगा, सिंपल सी बात लिखी है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो ये यहाँ पे आपकी जो ये इमेज वाला चैप्टर था ये कम्प्लीट हो गया, ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर को कम्प्लीट करने के बाद इन्होंने कहा यार इस तरह की अगर वेबसाइट कोई बनाने के आप काबिल हो गए तो इस चैप्टर का मकसद हमारा पूरा हो गया, ठीक है। अच्छा, आपके पास जो असाइनमेंट था, जो चार पेजेस वाली वेबसाइट का जो असाइनमेंट हमारा चल रहा है, तो अब जो भी कुछ आपने इस चैप्टर में अभी तक सीखा है तो आप क्या करेंगे, इस सारी की सारी नॉलेज को उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। मिसाल के तौर पर उस वेबसाइट में कोई ना कोई लोगो भी लगा हुआ होगा, अब क्या वो लोगो PNG में होना चाहिए या SVG में होना चाहिए, अभी आपको पता लग गया। अब इसी तरीके से उस में जो इमेजेस लगी हुई हैं वो आया कि 72 पिक्सल पर इंच पे रेजोल्यूशन पे हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको आप मज़ीद ऑप्टिमाइज़ करके 72 पे लेके आ जाएंगे तो इमेज का साइज़ मज़ीद रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इमेज का साइज़ हम कम क्यों रखना चाहते हैं, क्योंकि वो तेज़ी से लोड होता है, इस वजह से इमेज का साइज़ कम रखना हमारे लिए डिज़ायरेबल होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये दोनों बातें हमने पढ़ी हैं, तो ये दोनों नॉलेज आपने क्या करनी है, उस पर अप्लाई कर लेनी है। तो अच्छा, नेक्स्ट हम जो है वो क्या करेंगे, इसके बाद जो हमारा चैप्टर है टेबल्स वाला, टेबल्स वाले चैप्टर में कुछ ऐसा ज़्यादा खास है नहीं, वो टैग्स हैं। हाँ, तो ये सिर्फ सिंपल टैग्स हैं, कोशिश कीजिएगा कि इसको आप पढ़ कर आएँ ताकि हम ब्रीफली इसको ना कल की क्लास में इसको हम कंप्लीट कर लें, ये टेबल्स वाले को। अच्छा, उसके अलावा एक चार पेजेस की वेबसाइट तो आपने बना ली है ना, अच्छा एक चार पेजेस की वेबसाइट और मैं आपको बनाने के लिए दूंगा, आज नहीं कल दूंगा वो होपफुली, ठीक है। कल ये टेबल्स वाला चैप्टर पढ़ लेंगे, उस हालांकि उससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आज मैं इसलिए नहीं दे रहा कि आज आप ये वाली नॉलेज अपनी वेबसाइट पे अप्लाई करें, ठीक है। आपके पास यही वाला टास्क है, तो कल मैं ना इसका एक मतलब एक और आपको चार पेजेस वाली वेबसाइट का टास्क दूंगा। अच्छा, वो क्या है, वो एक स्कूल की वेबसाइट है, ठीक है। अच्छा, वो एक्चुअल इमेजेस हैं, एक एक्चुअल स्कूल है वो, जो हमारे एक टीचर हैं सर अकलीम, आप लोगों ने शायद नाम सुना, उनका सैटरडे संडे क्लास नहीं होती, दूसरे डेज में होती है, तो वो उनका स्कूल है। मैं लास्ट संडे में उनके यहाँ पे विलेज गया था औरंगज़ई, तो वो औरंगज़ई में उनका स्कूल है वो। तो मैंने उनसे पूछा यार वेबसाइट आपने बनाई हुई है, तो उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा यार इसकी फ़ोटोज़ अगर ले लेते हैं फ़ोटो वगैरह, तो मैंने हर एंगल से ना उसकी फ़ोटो ले ली है क्लासरूम्स की, और वो टीचर पढ़ा रहे हैं बच्चों को और वो बच्चे ज़रा ऐसे हाथ हिलाते हुए ऐसे थम्स अप करते हुए, इस तरह तकरीबन उसके कोई 15-20 फ़ोटोज़ मेरे पास अवेलेबल हैं। अच्छा, उसकी स्कूल की टाइमिंग वगैरह स्केजुअल ये सारी चीज़ें मैं उनसे आज लूँगा, और कल आपको ना एक जिप फाइल मैं प्रोवाइड कर दूँगा,
जिसमें ये तमाम तरह डिटेल्स होंगी। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने उन डिटेल्स को और उस फोटोज़ को आपने एक वेबसाइट में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। सेम उसी तरह जैसे आपने ऑलरेडी चार पेजेस की एक वेबसाइट बनाई हुई है एक रियल बिजनेस की, ठीक है। आई होप कि आप सब लोगों ने जो चार पेजेस वाली वेबसाइट बनाई हुई है वो एक रियल बिजनेस की बनाई होगी। किड्स एजुकेशन या कोई रियल बिजनेस है? नहीं, किड्स एजुकेशन नहीं है, इमेजिनरी कोई नहीं, स्कूल है उसका। अच्छा, तो उस स्कूल की एक्चुअल डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए उस वेबसाइट के ऊपर, ठीक है ना। नहीं नहीं, टेम्प्रोरी डिटेल्स नहीं, एक्चुअल डिटेल, उन पे जाना है आपने, है ना। मैंने ये कहा था कि किसी शॉप की, किसी बिजनेस की, किसी स्कूल, किसी इंस्टीट्यूट, किसी ब्यूटी पार्लर, कोई बस अड्डा, कोई मोबाइल की शॉप, इस तरह का कोई बिजनेस आपने रियल बिजनेस सेलेक्ट करके उसकी वेबसाइट बनानी थी आपने। तो किसी भी बंदे ने अगर रियल बिजनेस की नहीं बनाई है ना, इमेजिनरी किया है या उसमें प्लेस होल्डर्स लगाए हैं कि नंबर की जगह 03451234567 अगर किया है, तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। मैं उस नंबर पर कॉल करके चेक करूँगा कि वो रियल बिजनेस है या नहीं। तो आप सब लोगों ने देखो, ये मैं प्रैक्टिस बता रहा हूँ क्योंकि ये काम आपने करना है आगे, अभी ये काम आपने करना है आगे। आप अपने हाथ से जो वेबसाइट आपने बनाई है ना, वो जाके किसी रियल बिजनेस को आप सेल करोगे तो पैसे आएंगे वहाँ से। ये मैं पैसे कमाना सिखा रहा हूँ आपको। तो ये अगर आपकी हेजिटेशन रहेगी कि अच्छा मैं जाके क्या पूछूँ, उसको क्या बोलूँ, तो ये तो फिर मसला है, ये फिर मसला है, ठीक है। जॉब्स तो देखो बहुत हैं इसके अंदर, इस फील्ड में जॉब्स तो बहुत अवेलेबल हैं, लेकिन जॉब्स तो यार एक वो वाली चीज़ होती है कि जी वो आपको पूरा छान फटक के, और वो पूरा जितना अभी आ गया है उससे पैसे तो जॉब्स हैं। अभी आपको तो कोई जॉब नहीं देगा, अभी HTML पढ़ने के बाद आपको कोई जॉब नहीं देगा। आप CSS पढ़ेंगे, JavaScript पढ़ेंगे, फिर एक फ्रेमवर्क कोई पढ़ेंगे, जैसे कि React हम यहाँ पे कवर करेंगे, तो React या फिर डेटाबेस आपको आना चाहिए, सर्वर आपको आना चाहिए थोड़ा थोड़ा, तो जब जाके आपको कोई इंटर्नशिप देगा वो तो अभी बहुत आगे की बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी से आपने पैसे कमाना शुरू कर देना। तो ये मैं आपको वो आपका जो दिल का डर है ना, जो हेजिटेशन है, वो मैं ख़त्म करने के लिए आपको ये मैंने टास्क दिया था, ठीक है। और इंशाल्लाह जब आप ये जो मैं कल जो आपको असाइनमेंट देने वाला हूँ उसके बारे में बता रहा हूँ कि जो सबसे अच्छी वेबसाइट बनाएगा उसकी हम वेबसाइट वहाँ पे रियल डोमेन लगा के ना उस स्कूल में चला देंगे वो। तो आपके लिए क्या होगा कि आप कभी भी किसी के पास बैठेंगे, आप कहेंगे यार ये रियल स्कूल है, ये मेरी बनाई हुई वेबसाइट चला रहे हैं, है ना, और मैंने इनको ये वेबसाइट बना के दी है। अच्छा, आपने तो वैसे फ्री में दी है, लेकिन वो बताने की ज़रूरत नहीं है ना, आपने ये जिक्र नहीं करना कि मैंने फ्री में बना के दी। आप कहेंगे ये मैंने बना के दी है बस, आपको भी बना के दे दूंगा मैं और इतने पैसे लूँगा, है ना। तो ये आपका पोर्टफोलियो हो गया ना एक। तो आप देखते हैं कि किसकी वेबसाइट जो है वो वहाँ पे लाइव होती है, ठीक है। चलें, इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी आपसे कल की क्लास में। अल्लाह हाफिज़।